नेक्स्ट में कहाँ गए थे? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सीपीएम बता दिए थे, सीपीएम। सीपीएम क्या था? सीपीएम था आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीबीएम क्या था? आपने देखा था सीबीएम जो था वो क्या था, डी डी यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ताकि नहीं। और सीपीएम जो था ये क्या था आपका, डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये सब आइडियल गैस के लिए जीरो नहीं होता है, क्योंकि इंट्रॉपी ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये देखो इंथैल्पी ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और आपने इंथैल्पी लिए वो भी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, इसलिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसको, जीरो नहीं होगा। लेकिन आइडियल गैस के लिए जब जाते हैं हम लोग, तो आपको बताए थे ना, डी यू को अगर डी वी से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो वैल्यू क्या होगा, जीरो। रीजन क्या होता है कि हम लोग आइडियल गैस का बात करें, आइडियल गैस में हमेशा याद रखना कि इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी से फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर का। अगर उसके साथ किसी भी पैरामीटर के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आइडियल गैस के लिए वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो। कर लेंगे फिर देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे कि डी एच को अगर हम लोग क्या करेंगे, डीपी से डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये भी क्या होता है, जीरो। ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं होता, फॉरन आइडियल गैस। मैंने बता दिया था ये सब, नहीं बताए थे प्रीवियस क्लास में, बताए थे ये सब। फिर मैंने बताया था कि देखो सीपीएम, सीवीएम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आर। इसका मतलब आपका होगा डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, आर। तो बताइए, आपको तो पता चल रहा है ना, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये भी एनसीईआरटी में जाके देखना, आप नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कर लेंगे। तो डी एच बाई डी टी क्या दिखाता, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डी यू बाई डी टी क्या दिखाता, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर से कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, आर। तो डेफिनेटली इसके इसके बीच का डिफरेंस अगर आर होगा तो यू आर गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो डेफिनेटली सीपीएम क्या होगा, ग्रेटर देन सीबीएम। कर लेंगे, आप देखोगे नीट का क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बता दिए थे ये सब। अब देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा गामा का वैल्यू होता है सीपीएम अपॉन क्या होता है, सीबीएम। पॉइजन रेशियो बोलते हैं आप लोग बोलते हैं, और इसमें केमिस्ट्री में इससे क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि गामा से क्या फाइंड करते हैं हम लोग। देखो जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ोगे ना, तो स्टेट ऑफ मैटर में एक क्वेश्चन होगा आपका कि सीपी और सीबी का वैल्यू दिया होगा, आप फिर पूछा होगा वहां पे कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, आप मूल या समथिंग के लिए वॉल्यूम पूछा होगा, एक ये क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा पी वन प्रेशर दिया होगा, आप फिर प्रेशर को 32 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर वो इंक्रीज किया होगा, और फिर बोला होगा आपका कि फाइनल प्रेशर या फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो पूछा होगा, मोनोटॉमिक गैस होगा। तो दो क्वेश्चन आपने देखा होगा, और दोनों क्वेश्चन वो एडियाबेटिक प्रोसेस का, कर लेंगे। तो देखो गामा लिया आपने सीपी से भी, अब गामा से क्या डिनोट करते हैं, इससे एटॉमिसिटी हम लोग केमिस्ट्री में फाइंड करते हैं हम लोग, कहते हैं कि नहीं एटॉमिसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइजन्स रेशियो। अब देखो यहाँ पे सीपीएम होता है, सीबीएम होता है, गामा होता है, ये थोड़ा लर्न करना। मोनोटॉमिक गैस लेंगे, आपको भी बताया कि मोनोटॉमिक गैस में क्या होता है, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, रोटेटरी वाइब्रेटरी नहीं होता। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहां पे देखा होगा आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ट्रांसलेटरी होता है, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, थ्री, क्योंकि थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा थ्री। और सब पे आपने देखा होगा पर मोल जो आया होगा आपका हाफ के टी आया होगा आपका, तो उसी को ऐड करने पे क्या होता है, वैसे 3/2 R। याद रखोगे ये सीबीएम किसका होगा, मोनोटॉमिक का। नहीं, रॉन्ग कर दी, रुको इसको इसको लगो, ये सीबीएम आपका होता है 3/2 R, तो उसमें आप आर ऐड कर दो, 3/2 R होगा, तो आर ऐड कर गए तो क्या होगा, 5/2 R। गामा लेंगे तो क्या होगा, 5/3, दैट इज 1.66। अगर गामा का वैल्यू 1.66 होगा तो डायटॉमिक या मोनोटॉमिक गैस होगा, मोनोटॉमिक।
अगर आप देखेंगे डायटॉमिक, तो ये होता है आपका 5/2, और क्योंकि इसमें कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ऐड कर देते हैं, रोटेशनल, रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये क्या होगा आपका 7/2, और ये 7/5 होगा, ये होगा 1.4। तो 1.4 अगर गामा का वैल्यू होगा तो क्या बोलेंगे आप, डायटॉमिक। और एक होता है पॉलीएटॉमिक, केमिस्ट्री में अगर टेस्ट सीरीज में कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो मोनोटॉमिक डायटॉमिक ही से पूछेगा, पॉलीएटॉमिक आपको नहीं देगा, याद रखोगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मेन कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में केमिस्ट्री में आई नहीं, इसलिए डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक को थोड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा हूँ आपको। ये होता 3, ये होता 4R, पॉलीएटॉमिक का जाएंगे तो ये क्या होता 4R, ये होता आपका 3R, ये 4/3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.33। अगर गामा का वैल्यू 1.33 होगा तो क्या बोलेंगे आप, पॉलीएटॉमिक। गामा का वैल्यू अगर 1.4 होगा तो क्या बोलेंगे, डायटॉमिक। वहां पे जब जाओगे आप स्टेटोमीटर में, वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम का दिया हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी कहाँ पे आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का। कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा आपका, तो फिर वहां से गामा का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। गामा का वैल्यू फाइंड करोगे कैसे, तो आप देखो यहाँ पे, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, CVm इक्वल टू R/γ-1। तो देखो CVm वैल्यू फाइंड कर लोगे, CVm वैल्यू फाइंड करने के बाद CPm इक्वल टू क्या होगा, R+CVm, और CP और CV का क्या लोगे, रेशियो लोगे, रेशियो से आपका एटोमिसिटी अगर 1.4 आ गया था, एटोमिसिटी कितना बोलेंगे, डायटॉमिक, वही आपका क्वेश्चन है वहां पे, तो फाइंड कर लोगे आप। नहीं, आपको क्या करना है, सीपीएम फाइंड नहीं करना, आपको गाम सीवी फाइंड करके सीधा क्या फाइंड करना है, गामा। ये रिलेशन आप ले लो, ये रिलेशन कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे ये दोनों का आपने डिफरेंस देखा था, सुनो पहले देखो इधर कैसे आएगा, ये देखो ये रिलेशन देख रहे हो आप, इसको थ्रू आउट क्या करेंगे, सीवीएम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो जैसे सीपीएम को सीवीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा, ये क्या हो जाएगा, γ-1 इक्वल टू क्या होगा, R/CVm, तो CVm इक्वल टू क्या होगा, R/γ-1, याद रखोगे। तो ये रिलेशन आता है, ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा, केमिस्ट्री में बहुत रेयर होता है, आप थोड़ा याद रखना कि ये रिलेशन भी है, कर लेंगे। अब आइए, तो आपने देखा मोनोटॉमिक गैस का क्या देखा आपने, गामा 1.6, मतलब कि 3, कितना देखा आपने, 5/3, और आपने फिर देखा था 7/5, किसके लिए देखा था आपने, डायटॉमिक के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन बनाओ, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल मोनोटॉमिक आइडियल गैस दैट परफॉर्म द 75 कैलोरी ऑफ वर्क एडियाबेटिकली इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस। बनाइए खुद से, सिस्टम क्या वर्क, Recording in progress. तो वर्क का साइन निगेटिव होगा, और जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर फॉल होता है, टेम्परेचर का जो वैल्यू है पर यहाँ पे ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो तो इंक्रीज हो गया यहाँ से, डी ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो सिंपल लॉजिक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, तो टेम्परेचर तो उससे ज्यादा एक्सीड होना ही नहीं चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, लॉजिक देखो कैसे बनाएंगे, देखना है यहाँ पे, सबसे पहले डेली यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, किसके लिए होता है, ये एडियाबेटिक के लिए। अब फिर क्या करेंगे, एन सी वी एम, और क्या करेंगे, T2- क्या करेंगे, T1, ये इक्वल टू क्या होगा, W, ये तो फॉर्मूला जानते हैं मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि Q का वैल्यू क्या होता है, 0, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में चल रहा हूँ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, डेली यू इक्वल टू क्या होता है, Q+W, ये वैल्यू 0 अगर होगा तो डेली यू इक्वल टू क्या होगा, W, और डेली यू का मैंने रिलेशन सी बी एम के साथ बता ही दिया था आपको, क्योंकि पाली बार बार बोल रहा आपको कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर किया जाता है, और इनथैल्पी चेंज हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करोगे तो वो हमेशा इनथैल्पी चेंज को दिखाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो हमेशा दिखाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये दिमाग में सेट कर लो। देखो अब, तो ये जब जाएंगे तो कितना मोल गैस लिया था आपने, 0.1 मोल, आप क्या करेंगे, सीवीएम लेंगे किसका, आइडियल गैस का,
सीबीएम मोनोटॉमिक का होता था 3/2 आर। टी टू क्या लेंगे फाइंड करना, टी वन जाएंगे तो 273 से करेंगे तो 500 केल्विन है वो, तो ये 500 केल्विन मैंने दे दिया। कितना वर्क किया आपने 75, तो -75 लिखेंगे। आपने क्या किया होगा +75 दिया होगा, तो पहले सिस्टम देखो वर्क कर रहा है कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ये सब सिंपल लॉजिक है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिखाएंगे तो सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग्स पे, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव। विद द प्रॉपर साइन जब आप सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर आएगा। अगर नहीं आंसर आ रहा है, देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, तो आप समझ लो आप रॉन्ग है। टेम्परेचर तो घटना चाहिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और डेली का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे निगेटिव, तो टी वन क्या होगा ग्रेटर देन टी टू। हाँ सबसे पहले एडियाबेटिक बोला कि नहीं आपको, एडियाबेटिक में क्यों क्या होता है जीरो, और डेली रिलेटेड टू मोलर कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं। अब देखो ना यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस बोला ना, एडियाबेटिक प्रोसेस को देखो मैंने जब क्लास नोट बनाया था उसमें आपने उसको बोला था ना डेली यू इक्वल टू क्या था क्यू बी इक्वल टू क्या था सी बी एम एन सी बी एम, और टी टू माइनस क्या था टी वन। और फिर मैंने बोला था डेल एच इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू एन सी पी एम, टी टू माइनस क्या होता टी वन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी मेंशन किया है इसको, और ये इससे क्या होता है कि फाइनल टेम्परेचर इजीली फाइंड कर लेते हो। कितना रह चेक करो टू 50 केल्विन, आई बात समझ में। सबसे बड़ा दिमाग में याद रखना कि गामा फामा तभी लेंगे, बीबी गामा जब हम ले, मेरे पास क्या होगा रिवर्जेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आपने क्या लिया यहाँ पे इरिवर्जेबल, तो आपका सिंपल फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक सब जानते हो, डेली इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन क्या होगा यहाँ पे निगेटिव क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, तो डब्ल्यू निगेटिव साइन के साथ दे दो। एन सी बी एम टी टू माइनस क्या होता है टी वन, टी टू का वैल्यू फाइंड करना था। और सिंपल लॉजिक है कि एडियाबैटिक क्या करा रहे एक्सपेंशन, तो डेली क्या होगा निगेटिव, तो टी वन क्या होगा ग्रेटर देन टी टू कर लेंगे। अब भाई देखो वर्क डन इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर वर्क डन पूछेगा तो आप वर्क डन का भी फॉर्मूला देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा। डेली इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू, आप देखो डेली इक्वल टू डब्ल्यू अगर लिखोगे तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा थ्योरी है कि डब्ल्यू इक्वल टू डेली यू, डेली इक्वल टू क्या होगा एन सी बी एम, ये टी टू माइनस क्या होगा टी वन। अभी आपने सी बी एम का देखा था आर बाय गामा माइनस वन, तो देखो क्या होगा एन आर बाय गामा माइनस वन। देखो यहाँ पे अब लोगे सर ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए भी लगा सकते हैं, लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते हो, तो डिफर कहाँ पे करेगा टेम्परेचर पे, कैलकुलेशन ऑफ जो टेम्परेचर होता है वो डिफर कर जाता है। अभी जो आपने टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया वो किसके लिए किया इरिवर्सिबल के लिए, अगर यहीं पे फाइनल टेम्परेचर आप रिवर्सिबल के लिए फाइंड करते तो डिफरेंट आता है। आई बात समझ में, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको ये फार्मूला कैसा है समझ में आया, ये फार्मूला मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे। आप नहीं भी जानते होगे तो आप तो पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू, और डेल यू इक्वल टू क्या होता है बताइए एन सी बी एम टी टू माइनस टी वन, और सी बी एम इक्वल टू क्या होता है आर बाय गामा माइनस वन। जितना जानते हो उसी में अप्लीकेशन करना सीखो, वही होता है मेन। देखो देखो कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, मैंने बोला कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बताइए डेल यू इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, किसका बात कर रहा हूं मैं एडियाबेटिक का, था डेल यू इक्वल डी यू इक्वल टू क्या होगा डी डब्ल्यू। अब ये भी पता आपको कि यहाँ पे एन सी वी एम डी टी इक्वल टू क्या होगा पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल होता है लेकिन रिवर्सिबल में आपने देखा होगा
रिवर्जिबल में आपने देखा होगा पी इंटरनल पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट क्या होता है, नियरली सेम। तो आपने क्या क्या होगा, पी इंटरनल दिया होगा। अब पी इंटरनल जैसे आप जाओगे, पी इंटरनल, अब पी इंटरनल जैसे जाओगे तो ये क्या होगा, एन आर टी डी वी वाई वी लिख सकते हो ये, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सिस्टम सराउंडिंग ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर में जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉलर डिफरेंस होगा, जिसको क्या बोलते थे डीपी। तो उसको आपने क्या किया था, याद करो, स्मॉलर टर्म में दो दो स्मॉलर टर्म को मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया था, उसको इग्नोर कर दिया था, इसलिए हटा दिया मैंने उसको। अब देखो इसी को आप लिखोगे एन तक कैंसिल हो जाएगा। अब देखो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस लेंगे तो आर बाई क्या हो जाएगा, सी वी एम। और डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, वी आर बाई सी वी एम इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस वन। बताइए अभी ना फॉर्मूला लिए थे, सी वी एम इक्वल टू क्या, तो आर बाई गामा माइनस वन, तो आर बाई सी वी एम इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस वन। देखो वहां पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी लेंगे, लिमिट ले लिए टी वन का, और इधर क्या लिए टी टू का, अब माइनस क्या होगा, गामा माइनस वन। और डी वी लिए और वी लिए, लिमिट लिए यहाँ पे वी वन और वी टू को, लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो साइन क्या हो जाता, निगेटिव। तो डी टी अपॉन टी लिए, देखो ये टी वन और ये क्या लिए टी टू, ये गामा माइनस वन लिए, डी वी अपॉन वी ये क्या होगा, वी वन और क्या होगा, वी टू। अब देखोगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, लॉन टी टू बाई टी वन, वी वन हो जाएगा वो, ये हो जाएगा वी टू और ये क्या हो जाएगा, वी वन, ये गामा माइनस वन और क्या हो जाएगा, लॉन वी वन बाय वी टू। एंटी लॉग लोगे तो गामा क्या चला जाएगा, गामा एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, देखो टी टू बाई टी वन गामा माइनस वन, तो बताइए क्या रिलेशन आ गया आपका। तो टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। देखो ना टी टू लिए तो उधर वी टू क्या होगा, गामा माइनस वन, और डी वन लिए तो इधर क्या हो जाएगा, देखो ये टी टू तो वी टू गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी वन वी वन गामा माइनस वन, ये आ रहा है ना, इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो टी वी गामा इक्वल टू क्या लिया मैंने, कॉन्स्टेंट। इसी को अब आगे लेके चले जाते हो तो पी वी क्या होता है, गामा इक्वल टू क्या बोल दो तो कॉन्स्टेंट। ये के वन लिए थे के टू लिए, कि कॉन्स्टेंट के वैल्यू तो चेंज होते रहेगा, ये किसके लिए आप यूज करते हो, एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए कि इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए। अगर प्रेशर टेम्परेचर के रिलेशन लेना तो वो भी आप कर सकते हो, प्रेशर टेम्परेचर का भी रिलेशन आप ले सकते हो, कर लोगे, आई बात समझ में। चलिए ये देखो, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसका किसका है, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो गामा और ये क्या होगा, डी पी पी गामा माइनस वन बी गामा डी वी इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। और आपने क्या किया, एक बार पी वी गामा था, एक बार आपने पी को डिफरेंशिएट किया डी पी, एक बार टर्म ले आपका डी वी, तो डी वी से लिए एक्सपोनेंट क्या था, गामा। तो आपका एक्सपोनेंट जो होता है वो आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा, आपने क्या एक्सपोनेंट था, जैसे एक्स का पावर एन होता है, तब क्या कर दो एन इंटू एक्स, नहीं नहीं रॉन्ग कर दिया मैंने, ये गामा होना चाहिए इधर, ये गामा माइनस वन, आई बात समझ में। आप बता दो इसी से रिलेशन क्या आएगा आपका, तो आपने देखा होगा डी पी अपॉन डी वी माइनस गामा पी वाई पी, ये किसके लिए वैलिड है, आई बात समझ में, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है ये।
बोलोगे सर क्यों पढ़ाते हैं, सारे नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो क्या क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, कर लेंगे ये। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा होगा डीपी बाई डीवी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होगा, तो आपने देखा होगा डीपी बाई डीवी मैंने किया था, पी वाई वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ याद है ना, बॉयल्स लॉ में मैंने करवाया था ये डीपी बाई डीवी इक्वल टू माइनस पी वाई वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बताइए गामा का वैल्यू क्या होता है, मोर देन वन, गामा तो हमेशा मोर देन वन होगा, तो प्रेशर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब कर्व लेंगे तो दोनों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आएगा, लेकिन ज्यादा स्टीपर किसका होगा, एडियाबैटिक का, क्योंकि स्टीपर होने का रीजन क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा, मोर देन वन, तो ज्यादा स्टीपर होगा, ज्यादा स्लोप किसका होगा, एडियाबैटिक का। आई बात समझ में, तो लिखो प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस मोर स्टीपर देन किससे, प्रेशर रीजन क्या होता है, गामा का वैल्यू क्या होता है, मोर देन वन। तो जब आपको दो ग्राफ देगा, दोनों ग्राफ अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, एक ग्राफ किसका होगा आइसोथर्मल का, एक ग्राफ किसका होगा एडियाबैटिक का, जब आप देखो एडियाबैटिकली एक्सपेंड करो या आइसोथर्मली एक्सपेंड करो, फाइनल टेम्परेचर अगर फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने जाओगे तो आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, फाइनल प्रेशर फाइंड करने जाओगे तो आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, वर्क डन फाइंड करने जाओगे तो वर्क डन करेगा आपका आइसोथर्मल, कौन करेगा ज्यादा वर्क डन, आइसोथर्मल, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व उसका ज्यादा होगा, देखो कैसे करेंगे। देखो ये क्या लिया प्रेशर लिया, ये क्या लिया मैंने वॉल्यूम, देखो कुछ ऐसा होगा, मैंने कहा था कि एक्सपेंड करवाया, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो प्रेशर डिफर हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर तक लाएंगे तो क्या डिफर हो जाएगा, वॉल्यूम, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्लियर कट हो रहा है कि नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं, प्रेशर डिफर है, और यहां से मैंने एक्सपेंशन करवाया, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये क्या आपका एडियाबैटिक, देखो किसका कर्व स्टीपर है, एडियाबैटिक का, क्योंकि गामा का वैल्यू क्या होगा, मोर देन वन, देखो यहाँ पे T1 लेंगे, यहाँ पे T2 लेंगे, यहाँ पे T3 लेंगे, तो आप T1 से T2 जाएंगे तो T1 इक्वल टू T2 होगा, रीजन क्या आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होगा, तो T1 है T2 में कंपेयर करेंगे तो T1 इक्वल टू क्या होगा T2, और सुनो बट ग्रेटर देन T3, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर होगा, एक्सपेंशन तो हो रहा है आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन से आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर T3 क्या होगा, लेस होगा, और देखो अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बात करूंगा तो आइसोथर्मल का ग्रेटर होगा कंपेयर टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एडियाबैटिक, रीजन क्या होगा, सुनो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो किस में होगा, आइसोथर्मल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव किस में होगा, एडियाबैटिक, तो किसका चेंज ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का, कर लेंगे वर्क डन का बात करेंगे तो देखो किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, आइसोथर्मल का, तो वर्क डन का बात करेंगे तो आइसोथर्मल का ग्रेटर होगा कंपेयर टू किससे, एडियाबैटिक से। आई बात समझ में, ये किसका मैंने बताया एक्सपेंशन या कंप्रेशन का, एक्सपेंशन का, तो एडियाबैटिक मोर स्टीपर देन किससे होगा, आइसोथर्मल से, कर लेंगे खूब समझ में आएंगे। अब देखो देखो ये 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, अब देखो तो क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या होगा,
बोला कि T1 T2 इक्वल, तो वो तो सही है। आप फिर बोले T3 ग्रेटर देन T1, रॉन्ग। T3 लेस देन T1। फिर बोला कि आइसोथर्मल वर्क डन ग्रेटर देन एडियाबैटिक, आइसोथर्मल ग्रेटर देन एडियाबैटिक तो होगा ही आपका, और आइसोथर्मल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन एडियाबैटिक, वो भी सही है, क्योंकि निगेटिव किस्म होगा एडियाबैटिक में, अब पॉजिटिव किस, जीरो किस्म होगा आइसोथर्मल में, कौन सा ऑप्शन होगा। सेम एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में और टेम्परेचर टेम्परेचर से सेम रख के नीट में पूछा था 2018 या 16 का क्वेश्चन, देखोगे मिलेगा, सेम क्वेश्चन पूछा था, कर लेंगे। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, देखो वन मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम V1 टू, कितना टाइम एक्सपेंड किया? 8V1 लिख देता हूँ मैं, कितना टाइम इंक्रीज किया? फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस एडियाबेटिकली एंड डिवर्जिबली। वन मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड या एक्सपेंडेड फ्रॉम द V1 टू V2, मतलब बोलेगा कि वॉल्यूम बिकम द 8 टाइम्स, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा आपको, फ्रॉम द 27 डिग्री सेल्सियस एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली, लिख दिया ना एडियाबेटिक रिवर्सिबली। आप क्या करना है देखो, कैलकुलेट करना आपको, फाइनल टेम्परेचर डेल यू डेल एच डब्ल्यू, इतना फाइंड करना आपको। में क्या होगा, डिफर करेगा कि रिकॉर्डिंग सेम इन होगा? प्रोग्रेस। एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन करेंगे, मान लो कि एडियाबैटिक प्रोसेस लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहा हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस दो रूट से होगा, एक मान लो कि एक्सपेंशन लिए मैंने, तो एक्सपेंशन जब जाते हैं ना, तो एक्सपेंशन में आपको पता है कि वर्क डन जो होता है, सो वर्क डन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू इरिवर्सिबल। वर्क डन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, इरिवर्सिबल से, लेकिन आप जानते हो कि वर्क डन का वैल्यू जो होगा ये निगेटिव होगा, निगेटिव, मान लो कि 5 निगेटिव, सबसे निगेटिव किसका मैग्नीट्यूड में कंपेयर करवाया, वर्क डन जो होता है ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड ही कंपेयर किया जाता है, मेरे को पता है कि एक्सपेंशन है दोनों का, दोनों क्या होगा निगेटिव होगा, निगेटिव साइन क्या होता है, वो साइन ऑफ कंडेंसन के अकॉर्डिंग आता है, तो निगेटिव साइन लेके कंपेयर नहीं करते हम लोग, मैग्नीट्यूड लेके कंपेयर करते हैं, तो किसका ज्यादा वर्क डन होगा, रिवर्सिबल पाथ में ज्यादा होगा कंपेयर टू इरिवर्सिबल, तो वर्क डन क्या होगा निगेटिव, तो डेल यू जो होगा डेल यू भी निगेटिव होगा। अरे आपको तो पता है कि डेल यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू नेगेटिव होगा तो डेल यू भी क्या होगा नेगेटिव। आप बताइए ज्यादा वर्क डन किस में होगा, रिवर्सिबल पाथ में, तो ज्यादा टेम्परेचर फॉल किसका करेगा, रिवर्सिबल पाथ पर, तो रिवर्सिबल पाथ का ज्यादा टेम्परेचर फॉल करेगा, तो टी फाइनल जो होगा रिवर्सिबल का वो लेस होगा टी फाइनल इरिवर्सिबल से। आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करो एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हो गई है, किसका सबसे ज्यादा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, रिवर्सिबल पाथ का, क्योंकि वर्क डन ज्यादा किया वो,
ज्यादा अगर वर्क डन करोगे तो ज्यादा आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर आपका ज्यादा फॉल होगा। तो रिवर्सिबल पाथ का टेम्परेचर फाइनल क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू इरिवर्सिबल पाथ। इतना दिमाग में सेट कर लो, एक चीज मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर एक्सपेंशन से क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कंप्रेशन से क्या होता है, इंक्रीज होता है। इतना जानते हो, एक चीज दिमाग में सेट कर लो, फाइनल टेम्परेचर हमेशा इरिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा, चाहे वो एक्सपेंशन का बात करो चाहे वो कंप्रेशन का बात करो, फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का। इस दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। फॉर द टाइमिंग अगर कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो आप ये सेट कर लो कि एक्सपेंशन करवाओ या कंप्रेशन करवाओगे, फाइनल टेम्परेचर विनर हमेशा कौन होगा, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आप देखो मैं बता रहा हूँ, रिवर्सिबल पाथ में क्या होगा, मोर डिक्रीज इन एनर्जी, लेस डिक्रीज इन एनर्जी, मोर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन रिवर्सिबल पाथ क्यों होगा, क्या हमने वर्क डन ज्यादा किया ना, तो वर्क डन किसके कॉस्ट पे आप कर रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ज्यादा डिक्रीज किधर होगा आपका इंटरनल एनर्जी चेंज, रिवर्सिबल पाथ में तो ज्यादा वर्क डन आप किधर कर रहे हो, रिवर्सिबल पाथ में तो टेम्परेचर ज्यादा फॉल किस में करेगा, रिवर्सिबल पाथ में, तो फाइनल टेम्परेचर किसका होगा, रिवर्सिबल का। अगर एडियाबेटिकली आपने गैस को 1 लीटर से 2 लीटर एक्सपेंड किया, या एडियाबेटिकली गैस को अगर 1 लीटर से 8 लीटर में मैंने एक्सपेंड किया, फाइनल टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो अगर आप इनफाइनाइट स्टेप में जाएंगे तो आपका फाइनल टेम्परेचर सबसे ज्यादा फॉल करेगा कंपेयर टू फाइनाइट स्टेप्स, क्योंकि फाइनाइट स्टेप्स में आपने क्या लिया, रियल पाथ आपने किया, वहां पे चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, लेस, और रिवर्सिबल पाथ में चेंज इन एनर्जी क्या होगा, हाई, तो किस में ज्यादा डिक्रीज होगा, रिवर्सिबल पाथ में, इसे रिवर्सिबल पाथ का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू इरिवर्सिबल पाथ। आई बात समझ में? ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा जेई मेन में, तो पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है पूछा हुआ है, तो ये कर लोगे आप। अब देखो कंप्रेशन जब करते हैं हम लोग, तो कंप्रेशन जब करते हैं तो ये पता आपको कि इरिवर्सिबल पाथ का वर्क डन ज्यादा होता है कंपेयर टू रिवर्सिबल, और ये भी पता है कि डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, डेल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताइए, इंक्रीज करेगा, किसमें, एडियाबेटिक कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में, वर्क डन किसमें ज्यादा, सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे, तो सिस्टम को, सराउंडिंग्स को ज्यादा वर्क करना पड़ा सिस्टम पे, कौन सा पाथ में, इरिवर्सिबल पाथ में, तो सराउंडिंग सिस्टम पे जितना ज्यादा वर्क डन करेगा इंटरनल एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज होगा, इरिवर्सिबल पाथ में, तो फाइनल टेम्परेचर भी किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का। हमेशा यह देखना दोनों केस में विनर कौन हो गया, इरिवर्सिबल। अब देखो डेल्यू जो जाएंगे, डेल्यू इंक्रीज, डेल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल पाथ का लेस होगा कंपेयर टू किस से, इरिवर्सिबल पाथ का, तो बताइए टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल। देखो एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, तो ज्यादा डिक्रीज कहाँ पे होगा, जहाँ वर्क डन ज्यादा होगा, तो वर्क डन किस में ज्यादा होगा, रिवर्सिबल पाथ में, तो फाइनल टेम्परेचर आपका क्या होगा, सबसे लेस होगा। कंप्रेशन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जहाँ पे ज्यादा वर्क डन होगा वहां पे ज्यादा इंक्रीज होगा, किस में ज्यादा वर्क डन होगा, इरिवर्सिबल पाथ में, तो ज्यादा डिक्रीज, ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी, किस में, इरिवर्सिबल पाथ में, तो फाइनल टेम्परेचर आपका भी किस क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब रिवर्सिबल पाथ, इरिवर्सिबल पाथ में जाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का, चाहे वो एक्सपेंशन का बात करो या कंप्रेशन का बात करो, कर लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन में आपको मैंने बताया डेल्यू क्या था, पॉजिटिव, और कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में क्या था, डेल्यू निगेटिव, तो याद रखोगे। आपको ये भी पता है कि डेल्यू ये जो जाओगे, डेल्यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी बी एम, ये T2 माइनस क्या होता है T1, आपको पता है ये निगेटिव किस में होगा, एक्सपेंशन में, और इसमें जाएंगे तो डेल यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी बी एम, T2 माइनस T1, ये क्या होगा, पॉजिटिव, किस में, कंप्रेशन में। देखो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा, ये क्या आपका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, T2 लेस देन क्या होगा T1, ये क्या था मैंने,
कंप्रेशन में किसका ज्यादा, देखो बताओ, कंप्रेशन जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 लेस देन T2, समझ में आपको? अब जब भी एक्सपेंशन कंप्रेशन करेंगे तो आप समझ में आएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में सही याद रखना टेम्परेचर चेंज होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा, और एक कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये हमें से याद रखना है। अब आइए, ये जो प्रोसेस लिए थे इसमें मैंने किया था टेम्परेचर के वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज किया, लेकिन कौन सा प्रोसेस है ये, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन करेंगे। अगर यहीं पे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन अगर देता, मान लो कि वॉल्यूम प्रेशर है, वो फाइलर पूछता वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज हो, वो अगर पूछता PV गामा का रिलेशन लेके चले जाते, क्योंकि हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, रिवर्सिबल पाथ पे, और रिवर्सिबल पाथ का जो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करते यही रूट होता है, इसके अलावा कोई रूट नहीं है आपके पास। आगे डेल यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू करके आपने NCBM T2 - T1 से डेल यू का वैल्यू पुट करके जो फाइंड करते हो ना, वो वैल्यू होता है इरिवर्सिबल पाथ के लिए, रिवर्सिबल पाथ के लिए रूट लेते हैं। तो बताइए T1 T2 का आपका था, T2 फाइंड करना था, ये क्या होगा T1, ये क्या होगा V1 बाय क्या हो जाएगा V2, गामा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो गई है। T1 कितना था 300, V1 कितना था 1/8, ये क्या होगा 2/3, गामा का वैल्यू क्या होगा 5/3, अब 5/3 - 1 करेंगे तो क्या होगा 2/3, अब देखो 2/3 है तो क्यूबिक रूट लेंगे 1/8 का तो 2, और उसका फिर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 300/4, दैट इज द 75 केल्विन। जब भी इसका कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन का वही रूट ही होता है कि सबसे पहले देखो ये 1/3 है तो इसका क्यूबिक रूट लेंगे, तो 1/8 का 1/ क्यूबिक रूट लेते हैं क्या होता है 1/2, और फिर उसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नई बात समझ में, तो कितना होगा 75 केल्विन हो गया फाइनल टेम्परेचर। आपको फाइंड करना था डेल यू, डेल यू इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू, और ये एन कितना मोल है 1 मोल, 3/2 R, फाइनल टेम्परेचर कितना 75, इनिशियल कितना 300, देख रहे वैल्यू क्या आ रहा है आपका निगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रहा था, वैल्यू क्या होगा निगेटिव, ये वैल्यू जब जाएंगे तो आप कैलोरी में लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये देखो 75 से करोगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा वो, और 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, 225 ले लो इंटू आर का वैल्यू कितना लेंगे 3 ले लिए, यहाँ पे आर का वैल्यू 22 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा कैलोरी आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 675 कैलोरी, ये क्या फाइंड किया आपने, डेल यू और डब्ल्यू सेम होगा, आप डेल एच का वैल्यू फाइंड करेंगे, एन क्या होता है CPM, T2 - क्या करेंगे T1, एन कितना लिया आपने 1, ये क्या होगा 5/2 R, ये क्या आ गया 75 - क्या होगा 300, आर का वैल्यू आप कैलोरी में ले लेंगे तब 2 R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5 × 225 कैलोरी। अगर यहीं पे कंप्रेशन होता तो वॉल्यूम क्या होता डिक्रीज होता, और फिर फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर लेते वहां से, अपनी कर लोगे कैलकुलेशन, ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल पाथ का, रिवर्सिबल पाथ का। समझ में एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी का वहां समझ में आए, कहाँ पे यूज करोगे एडियाबेटिक में, ग्राफ किसका ज्यादा स्टीपर होगा, एडियाबेटिक का लेस स्टीपर किसका होगा आइसोथर्मल का, लिखो थर्मोकेमिस्ट्री। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि किसी भी, देखो सबसे पहले क्या करोगे रिएक्शन को कहाँ पे प्रोसीड कर दो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब किसी का भी हीट मेजर करते हैं ना तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी का हीट मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंथैल्पी चेंज नहीं इंटरनल एनर्जी चेंज। आपके पास दो हीट होगा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का एक कांस्टेंट प्रेशर का,
लैब में जितना भी वर्क करते हो सब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, क्योंकि लैब में जो भी रिएक्शन करवा तो सब ओपन वेसल्स में होता है, तो क्या होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब आप किसी भी रिएक्शन का हीट फाइंड करोगे तो वो होगा इनथैल्पी चेंज। और बॉम कैलोरीमीटर होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बॉम कैलोरीमीटर का जो सेटअप देखोगे तो वहां पे क्या होता है एक्सपेंशन नहीं होता, तो वो क्या होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी का हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं हम लोग तो क्या होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है बताइए इंटरनल एनर्जी चेंज। तो आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जब भी हीट मेजर करेंगे तो वो क्या होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दो टर्म आएगा डेल एच और डेल यू, डेल एच और डेल यू का रिलेशन मैंने बताया था डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये किसी रिएक्शन के लिए मैंने बताया था। और डेल एन जी था गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी का मान लो कि पूछेगा फाइंड द हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर वहां पे इंथैल्पी चेंज दिया रहेगा तो फिर डेल एच और डेल यू का रिलेशन से डेल यू का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर कहीं पे डेल यू का वैल्यू दिया रहेगा आप पूछेगा उसका डेल एच का वैल्यू फाइंड करो, तो डेल एच इक्वल टू क्या होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, डेल एन जी आर टी का वैल्यू फाइंड कर लोगे, वहां से आप डेल यू का वैल्यू फाइंड कर लो डेल एच का वैल्यू फाइंड कर लोगे कर लेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो होता है आपका मेडिकल एग्जाम या इंजीनियरिंग कहीं भी जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन वो होता है ये डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। आपको मैंने इसको कोरिलेट करवाया था क्यू पी, इसको कोरिलेट करवाया था मैंने क्यू वी से, मतलब कि हीट चेंज ऑफ प्रोसेस एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर तो क्या हो जाएगा वो इंथैल्पी चेंज, हीट चेंज एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो क्या होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप लैब में जितना भी रिएक्शन करवाते हो कहाँ पे करते हो लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो आप मैक्सिमम रिएक्शन का क्या फाइंड करते हो इंथैल्पी, याद रखोगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा चेंज इन इंथैल्पी, देखो तो चेंज इन इंथैल्पी मतलब कि डेल एच आर ऑफ एनी प्रोसेस, किसी प्रोसेस या किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या होगा डेल एच। और डेल एच इक्वल टू इंथैल्पी चेंज जब जाओगे तो क्या करते हो आप इंथैल्पी चेंज अगर किसी भी रिएक्शन का लिखेंगे तो आप जानते हो कि डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यू कैन कैन नॉट फाइंड, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ गया ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू कहां से फाइंड कर पाओगे आप। आप खुद से बताइए अगर इंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगा तो डेल एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर रिएक्टेंट का अगर हीट कंटेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट से तो डेल एच क्या होगा निगेटिव। तो आपका होता है एक एक्सोथर्मिक एक क्या होता है इंडोथर्मिक, आपने काइनेटिक्स पढ़ा होगा ये रिएक्टेंट का अगर होता है अगर ये प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट बोलते हैं क्या उसको एक्सोथर्मिक, वहां पे इंथैल्पी चेंज क्या हो जाता है निगेटिव। अगर ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल्स होगा और ये प्रोडक्ट का होगा तो प्रोडक्ट का क्या होगा मोर एनर्जी कंटेंट, और रिएक्टेंट का क्या होगा लेस, तो वहां पे इंथैल्पी चेंज क्या हो जाता है पॉजिटिव। आपका इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, वो डिपेंड होता है किस पे इंथैल्पी पे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे इसका साइन जब जाओगे तो अगर आप मान लो कि प्रोडक्ट का ग्रेटर देन रिएक्टेंट का होगा इंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, अगर प्रोडक्ट लेस देन रिएक्टेंट होगा तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये कौन सा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। आपके पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्या होता है बताइए एंडोथर्मिक, ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या क्या पे डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। अगर मान लो एक ही रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करना आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे, और उसी रिएक्शन को आप प्रोसीड करो 35 पे और फिर उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करो तो डिफर कर जाएगा। तो इससे पता चला कि एंथैल्पी चेंज किसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अगर मान लो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन या क्लोरीन गैस आपका इन्वॉल्व हो रहा है, आपने क्या किया थ्रू आउट द प्रोसेस आपने हाइड्रोजन गैस को प्रेशर को मेंटेन रखा आपने 180 एम, और किसी दूसरा रिएक्शन में आपने सेम रिएक्शन करवाया लेकिन वहां पे आपने प्रेशर वहां पे 280 एम कर दिया किसका हाइड्रोजन का। तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आप चेंज करोगे तो इंथैल्पी भी चेंज क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, मतलब इंथैल्पी चेंज किस पे डिपेंड किया प्रेशर पे। अगर किसी भी रिएक्शन में मान लो कोई सॉल्यूशन में आप कर रहे हो
और सॉल्यूशन में क्या होगा, वहां पे मोलर कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन आप 1 मोलर पे वर्क करेंगे तो आपने देखा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है। नर्स्ड इक्वेशन जब पढ़ते हैं हम लोग तो नर्स्ड इक्वेशन से पहले सारा कैलकुलेशन किस में था, स्टैंडर्ड स्टेट में, तो आपने कितना कंसंट्रेशन लिया था 1 मोलर। अगर अदर देन 1 मोलर लेंगे तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर 1 मोलर एच प्लस को, 1 मोलर एच प्लस को, अब 1 मोलर हाइड्रोक्साइड को अगर कंबाइन करके वाटर लाते हैं तब एनर्जी रिलीज होता है 57.1 किलो, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपने 2 मोलर एच प्लस को और 2 मोलर ओ एच माइनस को कंबाइन करोगे तो वहां पे वाटर मिलेगा आपको 2 मोल, तो आपने कंसंट्रेशन एच प्लस ओ एच माइनस का क्या किया, चेंज किया, तो फिर वहां पे एंथैल्पी चेंज आपका अदर देन -57.1। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पे करेगा। फिर क्या होता है कि अगर मान लो कि कंबशन का रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हो, आप कंबशन के लिए आपने ग्रेफाइट लिया, एक बार कंबशन के लिए आपने डायमंड लिया, तो डायमंड में बॉन्डिंग पैटर्न या ग्रेफाइट का बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। आप व्हाइट फॉस्फोरस लोगे, रेड फॉस्फोरस लोगे, तो रेड फॉस्फोरस का जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो डिफर होता है कंपेयर टू किससे, व्हाइट फॉस्फोरस से। आप रॉम्बिक सल्फर लेंगे या मोनोक्लिनिक सल्फर लेंगे, दोनों का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डिफर करता है। तो मान लो कि आप SO2 बनाओगे, SO2 बनाने के लिए एक बार आपने रॉम्बिक सल्फर लिया, एक बार आपने मोनोक्लिनिक सल्फर लिए, दोनों केस में इंथैल्पी चेंज आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप तो बना रहे हो अल्टीमेटली SO2, लेकिन आपने एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या किया, चेंज किया। अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म को चेंज करोगे तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, जितना भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप लिखते हो सब में आप ग्रेफाइट लेते हो, कार्बन किसके फॉर्म में लेते हो, ग्रेफाइट के फॉर्म में। अगर डायमंड के फॉर्म में लोगे तो वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन हम लोग ग्रेफाइट के क्या लेते हैं, 0। आई बात समझ में, तो इतना सारा फैक्टर पे डिपेंड होता है क्या इंथैल्पी चेंज। अब क्या करते हैं कि जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग स्टडी करते हैं हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में, कहाँ पे वर्क करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो आपको टेम्परेचर 298 केल्विन फिक्स कर देना, मतलब टेम्परेचर कितना लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करेंगे, गैसेज अगर इन्वॉल्व होगा तो उसका प्रेशर 180 एम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। अगर सॉल्यूशन इन्वॉल्व होगा तो आप क्या करेंगे सबका 1 मोलर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। इसलिए जितना भी डिप्रेशन होगा थर्मोकेमिस्ट्री में, ऑल डिप्रेशन रिलेटेड टू 1 मोल, मतलब मोलर इंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कंबशन इंथैल्पी बोलेंगे तो मोलर कंबशन इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी फॉर्मेशन करेंगे 1 मोल इंथैल्पी फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन जब भी लिखोगे, मान लो आपको इंथैल्पी फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है तो आप हमेशा 1 मोल कंपाउंड फॉर्म करोगे, अगर आपका कंबशन का इक्वेशन लिखना है तो हमेशा 1 मोल को कंप्लीटली कंबशन करोगे, अगर आपको बॉन्ड इंथैल्पी को डिफाइन करना है 1 मोल बॉन्ड इंथैल्पी का फॉर्मेशन को आप दिखाओगे, अगर इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन आपको दिखाना है 1 मोल को आप गैसेस फॉर्म में सेपरेट करोगे। मतलब आपका रेस्ट्रिक्शन है, डिफिनेशन को जहां भी डिफाइन करोगे हमेशा कितना मोल लेके, 1 मोल लेके। अगर 2 मोल लेके थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप फाइंड कर लिखोगे तो उसका इंथैल्पी चेंज चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी चेंज क्या होता है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। अगर किसी भी रिएक्शन में अमाउंट अगर रिएक्टेंट का चेंज करोगे तो ऑब्वियसली इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इंथैल्पी चेंज क्या होता है बताइए, इंथैल्पी क्या होता है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि एक ही प्रोसेस को आप 1 स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, इंथैल्पी चेंज क्या होगा, सेम होगा, उसी को बोलते हैं हेसेज लॉ कांस्टेंट हीट समेशन। कह लेंगे तो लिखो थर्मोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले लिखो कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे मान लो कि जैसे ए गैस क्या था आपका, बी गैस में, ए बी छोड़ दो, और देखो यहाँ पे हीट कैपेसिटी का डिफरेंस होगा तो सी पी बी माइनस क्या हो जाएगा, सी पी ए, डेल सी पी क्या दिखा रहा, डिफरेंस हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्या होगा देखो,
ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है टी वन टेम्परेचर से टी टू, यहाँ भी मैंने टी वन लिया और क्या लिया टी टू। हीट कैपेसिटी को क्या किया मैंने, डेल इज इक्वल टू क्या होता है सीपी होता है, हीट कैपेसिटी को मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि चेंज हीट कैपेसिटी क्या होता कांस्टेंट। जैसे इसको फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा, ऐसे लिखो रुको एक मिनट रुको, इसको डेल एच कर दो तो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहाँ होगा टी टू, माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा टी वन, इक्वल टू क्या होगा चेंज इन हीट कैपेसिटी, और टी टू माइनस क्या होगा टी वन। इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, मेडिकल में कभी क्वेश्चन नहीं पूछता इससे। आप अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक बनाओगे तो कभी ये क्वेश्चन दिखेगा, कैलकुलेशन दिखेगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन होता है क्योंकि डेल सी पी कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप क्या करना उसको छोड़ देना, मेडिकल का जो भी स्टूडेंट है मत बनाना आप, मैंने दिखा दिया आपको कैसे होता है ये, लेकिन बनाना कभी नहीं। इसी को बोलते किरचॉफ्स इक्वेशन। हाउ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डेल सी पी क्या दिखाता है ये चेंज इन हीट कैपेसिटी। अगर मान लो आपके पास, अगर रिलेट कर लो कि आपके पास अगर देखो अल्फा ए बीटा वी गामा सी डेल्टा डी ए, तो देखो डेल सी पी क्या हो जाएगा, गामा इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ किसका सी प्लस डेल्टा इंटू सी पी हीट कैपेसिटी किसका होगा डी माइनस अल्फा इंटू, क्योंकि मोलर लिए ना लेकिन यहाँ पे अल्फा मोल इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो सी पी क्या दिखाता है मोलर हीट कैपेसिटी और कितना मोल आपका इन्वॉल्व हो रहा है अल्फा मोल, इसे अल्फा अल्फा से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सी पी किसका होगा ए का, प्लस बीटा इंटू सी पी किसका होगा बी का। वैल्यू सब दिया रहेगा आपको तो फाइंड कर लोगे डेल सी पी, और डेल सी पी फाइंड करने के बाद वहां पे फॉर्मूला पे पुट कर दोगे, एक टेम्परेचर पे अगर इंथैल्पी देगा तो दूसरा टेम्परेचर का फाइंड कर लोगे, कर लेंगे। आपने देखा फर्स्ट फैक्टर किस पे डिपेंड किया टेम्परेचर पे, फिर डिपेंड करेगा प्रेशर पे, थर्ड फैक्टर किस पे डिपेंड करता देखो मोलर कंसंट्रेशन, फोर्थ फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा एलोट्रॉपिक फॉर्म पे भी। इसका मतलब हुआ कि आपने देखो यहाँ पे कार्बन अगर ग्रेफाइट लिया आपने सॉलिड और उसको ऑक्सीजन से कंबाइंड कंबशन कराओगे तो क्या बनेगा आपका सीओ टू गैस, फिर कार्बन आपने डायमंड लिया और फिर ओ टू गैस के साथ कंबाइन कराओगे कंबशन करवाएंगे सीओ टू गैस, बताइए इसका इंथैल्पी चेंज अगर डेल एच वन होगा, इसका एंथैल्पी चेंज अगर डेल एच टू होगा तो बताइए डेल एच वन इक्वल टू डेल एच टू नो, इसका मतलब किस पे डिपेंड किया आपका एलोट्रॉपिक पंप पे। अगर एक ही एलिमेंट का अगर डिफरेंट एलोट्रॉप्स लोगे तो क्या हो जाएगा एंथैल्पी चेंज क्या होगा चेंज हो जाएगा, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कितना लेंगे आप 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 298 केल्विन, अगर सॉल्यूशन होगा मान लो सॉल्यूशन लिए एक सॉल्यूशन लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर, प्रेशर अगर गैस इन्वॉल्व होगा तो प्रेशर कितना लेंगे 1 atm, प्रेशर अगर गैस का लेंगे तो कितना लेंगे 1 atm, इसी को क्या बोलते हैं आप स्टैंडर्ड स्टेट। बताओ स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब टेम्परेचर कितना लेंगे आप, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड स्टेट में ही सारा वर्क करते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन कितना होता
1 मोलर प्रेशर ऑफ गैस इन्वॉल्व होगा तो कितना लेंगे, 180 m। टेम्परेचर कितना लेंगे, 298 केल्विन। तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड स्टेट में अगर किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक्स का टर्म आएगा वो होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल लेंगे और एफ एच लेंगे और एफ री, इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। ये नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट, सुपरस्क्रिप्ट जो लिए ना नोट, उसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट, एफ का मतलब क्या होगा फॉर्मेशन। तो ऐसे भी लिखा जाता है इंथैल्पी फॉर्मेशन, ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। किसको डिफाइन करने के लिए जा रहे हो, इंथैल्पी फॉर्मेशन कहाँ पे आप डिफाइन करने जा रहे हो, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो यू हैव टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, रेस्ट्रिक्शन है आपका कि इतना मोल कंपाउंड बनाएंगे, 1 मोल। अब 1 मोल जो कंपाउंड बनाएंगे उसका कंस्टिट्यूंट एलिमेंट से बना हो गया, और कंस्टिट्यूंट एलिमेंट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। अगर मान लो CH4 को बनाना है तो कार्बन लेंगे आप एलिमेंट्स में, तो कार्बन होना चाहिए आपका ग्रेफाइट। CH4 बनाएंगे तो हाइड्रोजन आपका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होगा, तो स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म लेंगे, एटॉमिक फॉर्म नहीं लेंगे। अगर एटॉमिक फॉर्म लेंगे तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होता, स्टैंडर्ड होता है हाइड्रोजन का मॉलिकुलर फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन का लेंगे तो आप O2 लेंगे, O3 नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट अगर क्लोरीन का लेंगे तो Cl2 गैस लेंगे, क्लोरीन नेसेंट नहीं लेंगे आप। नेसेंट क्लोरीन होगा तो वो क्या होगा, थर्मल स्टेबल नहीं होता, इसलिए उसको स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं लेते हम लोग। अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट लेना है सल्फर का तो आप रॉम्बिक सल्फर लेंगे, मोनोक्लिनिक नहीं लेंगे, क्योंकि 398 केल्विन के 396 केल्विन के ऊपर कौन रहता है आपका स्टेबल, मोनोक्लिनिक। और रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल होता है आपका, रॉम्बिक, इसलिए कौन सा सल्फर लेंगे, रॉम्बिक सल्फर। अगर फॉस्फोरस कहीं पे इन्वॉल्व होगा तो आप व्हाइट फॉस्फोरस यूज करोगे, रेड फॉस्फोरस आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे किसको हम लोग कंसिडर किए, व्हाइट फॉस्फोरस को। ग्रेफाइट लोगे, डायमंड नहीं लेंगे, क्योंकि आपने कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म को कंसिडर किया, ग्रेफाइट को। आई बात समझ में, 1 मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है आपको फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और दैट एलिमेंट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, व्हाट एवर द इंथैल्पी चेंज, उस प्रोसेस का जो भी हीट चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद रखोगे लिखो, चेंज इन इंथैल्पी, व्हेन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बैट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट या नॉट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट्स। देखो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, उसी को क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो आपके पास सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन है कितना मोल कंपाउंड बनाओगे, 1 मोल। अब भाई इसको देखो क्या होता है, पहले एक चीज लिखो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स मोर स्टेबल स्टेट इज 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स का, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स मोर स्टेबल स्टेट इज 0। आप क्या बोलेंगे, देखो आप लेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल स्टेट H2 गैस
देन यू हैव टू टेक जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन, मान लो कि आपने ऑक्सीजन एलिमेंट का बात करोगे तो ऑक्सीजन एलिमेंट किस पर फॉर्म होता है, ओ टू गैस में, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या लेंगे ओ टू का, जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर लेंगे, देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर मैंने क्या लिया, ओ थ्री गैस ले लिया, ओजोन ले लिया, तो क्या होगा, ये नॉन जीरो, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली ओजोन क्या होता है, स्टेबल होता है. आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस है वहां पे कौन स्टेबल है आपका, ऑक्सीजन, ओजोन नहीं, किसका, जीरो कर लेंगे. फिर देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर किसी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का बोलेंगे तो आप हमेशा लेंगे नॉन जीरो, क्योंकि मैंने एलिमेंट का बात किया, मैंने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का तो बात नहीं किया. एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मे भी जीरो, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड का कभी जीरो नहीं होता. तो सीओ टू तो मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है नहीं वो, तो उसका कि जीरो लेंगे नहीं. अब देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर Cl2 लेंगे, क्लोरीन एलिमेंट होता, तो क्लोरीन एलिमेंट किस फॉर्म में रहता है, Cl2 गैस के फॉर्म में रहता है, इसका क्या बोलेंगे आप, जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो नॉन जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर आपने क्लोरीन गैस लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेसेंट फॉर्म लेंगे तो क्या होगा, नॉन जीरो. फिर देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन Br2 अगर गैस लेंगे, ये नॉन जीरो, क्योंकि रूम टेम्परेचर Br2 किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, तो Br2 लिक्विड जीरो होगा, Br2 गैस जीरो नहीं होगा. जीरो एनी एलिमेंट इन इट्स मोर स्टेबल स्टेट यू हैव टू टेक द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो. अगर बोलेगा कि सोडियम का स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन बताइए, सोडियम Na सॉलिड अगर लेगा तो सीधा बोल देना जीरो. और इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन मतलब सोडियम को अगर वेपर फेज में लेके जाएंगे तो फिर नॉन जीरो, ये एलिमेंट किस में होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज में जीरो बोलोगे. एलोट्रॉप्स में आइए, देखना एलोट्रॉप्स में स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन अगर ग्रेफाइट लेंगे तो आप बोलेंगे जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर कार्बन आपने डायमंड लिया तो नॉन जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर आपने फास्फोरस P4 लिया वाइट, जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर आपने एसिड सल्फर लिया रोम्बिक तो बोलेंगे जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर आपने S8 लिया मोनोक्लिनिक तो क्या बोलेंगे, नॉन जीरो. आपने वाइट फॉस्फोरस का क्या लिया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो, जबकि थर्मली सबसे स्टेबल होता है ब्लैक फास्फोरस. थर्मली सबसे स्टेबल कौन होता है, ब्लैक फास्फोरस, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना उसको लिया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट में. तो व्हाइट फास्फोरस लेंगे. ग्रेफाइट डायमंड में किसको लेंगे आप, ग्रेफाइट को. आपको दिखाएंगे जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे, वहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ ग्रुप 14 में जाओगे ना तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ग्रेफाइट क्या दिया, जीरो. स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ डायमंड कह दिया 1.9 किलो जूल पर मोल, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरिन दिया 34 के करीब, सबसे ज्यादा उसी का होता है, बकमिंस्टर फ्लोरिन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है. कर लेंगे. देखो अब क्या होगा कि अब देखो आपको कंपाउंड बनाना है, यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड बनाना है CH4. तो सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल को कंपाउंड को बनाओगे तो 1 मोल कंपाउंड बनाना चाहिए. अब उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट देखेंगे तो कार्बन और क्या होना है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन किस फॉर्म में लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में. कार्बन किस में लेंगे, ग्रेफाइट के फॉर्म में. तो आप कैसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखोगे, तो आप लिखो कार्बन ग्रेफाइट, ये कार्बन आप सॉलिड लिखोगे सबसे पहले, ये ग्रेफाइट लिखने का, ये सॉलिड लिख दिया. हाइड्रोजन लेंगे 2H2 गैस, क्योंकि 1 मोल बनाना है, और क्या बनेगा यहाँ पे, CH4 गैस. ये क्या एक्सपेंड करता है, ये रिएक्शन एक्सपेंड करता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4. फिर देखो अगर आपके पास NH3 बनाना है, अगर आपने N2 गैस लिया, N2 गैस लिया, 3H2 गैस लेंगे, ये 2NH3. आप देखो यहाँ पे कितना मोल आपने बनाया,
देखो अमोनिया के लिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देन टू के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन किस में रहेगा, H2 में, वो तो आपने सही लिया, लेकिन आपने कितना बनाया यहाँ पे, टू मोल बना दिया आपने, टू मोल बनाएंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको कितना मोल बनाना है, वन मोल। सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं इसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन में। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बॉन्ड इंथैल्पी इंथैल्पी फॉर्मेशन पे, आज ऐसे इंथैल्पी फॉर्मेशन का बात करता है बॉन्ड इंथैल्पी में तो 2 मोल NH3 को बना के रख देता है। अरे 2 मोल बनाओगे तो 2 मोल का इंथैल्पी चेंज होगा ना, आपको बनाना है कितना, 1 मोल, ये दिमाग में सेट कर लो। फिर देखो तो आप क्या करेंगे, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, इसको 3/2 कर देंगे, फिर क्या करेंगे आप, 1 NH3 गैस बनाएंगे, दिस वन इज एक्सेप्टेबल। फिर देखो अगर आपको क्या करना है, देखो XeF4 बनाना है आपको, अगर आपने क्या क्या, देखो पहले देखो CO2 बनाएंगे, CO2 बनाने के लिए मैंने कार्बन किसका लेंगे, ग्रेफाइट प्लस O2 क्या लेंगे, गैस, ये क्या बनेगा आपका, CO2 गैस। अगर खुद से देखो, अगर आपने CO गैस लेते और हाफ O2 गैस लेते, ये क्या बनता है, ये भी CO2 गैस आता, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि आपने ले लिया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्या ले लिया आपने वहां पे, CO, ये रॉन्ग है आपका। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी इंथैल्पी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करोगे तो प्रोडक्ट शुड बी द 1 मोल और रिएक्टेंट सेट सबका सब स्टैंडर्ड स्टेट पाना चाहिए, जिसका इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, 0। अगर एक भी कंपाउंड आपने देखो एक भी मॉलिक्यूल लिया जिसका इंथैल्पी फॉर्मेशन आपका 0 नहीं होगा, उसको आप रूल आउट कर दोगे, वहां से नहीं रखोगे आप, मतलब वो इंथैल्पी फॉर्मेशन को जब देखने जाएंगे तो CO गैस का जब जाएंगे तो क्या होता है, नॉन जीरो। दैट्स व्हाई दिस थर्मोकेमिकल इक्वेशन डज नॉट एक्सप्लेन द इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2। मतलब किसी भी कंपाउंड को बनाना तो आपको 1 मोल कंपाउंड बनाना है, और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अगर कहीं भी मॉलिक्यूल ले लेंगे, अगर आप कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एलिमेंटल मॉलिक्यूल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन आएगा H2 के में, O2 आएगा किस में, ऑक्सीजन आएगा किस में, O2 में, लेकिन कहीं पे अगर O3 मिलेगा तो रॉन्ग है, वो कर लेंगे। आई बात समझ में, अब देखो एक क्या होता है, लिख लो किसी भी रिएक्शन का जब इंथैल्पी फाइंड करते हैं ना हम लोग, किसी भी रिएक्शन के इंथैल्पी देखो, किसी भी रिएक्शन का अगर इंथैल्पी फाइंड करोगे इंथैल्पी, तो आप हमेशा याद रखना किसी भी रिएक्शन के इंथैल्पी 2 टर्म में हमेशा फाइंड होता है, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग एंथैल्पी फॉर्मेशन के टर्म में, और दूसरा टर्म होता है बॉन्ड इंथैल्पी। किसी भी रिएक्शन का अगर इंथैल्पी चेंज फाइंड करना, चाहे वो कंबशन रिएक्शन है, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एटमाइजेशन का रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन आप करोगे, किसी भी रिएक्शन का अगर इंथैल्पी चेंज आपको फाइंड करना है, या तो इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं होता। तो जैसे ही किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज फाइंड करने जाओगे तो आप देखोगे बॉन्ड इंथैल्पी में, तो आप सीधा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर आपको इंथैल्पी फॉर्मेशन का डाटा दिया वहां पे, तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसके अलावा कोई भी थर्मोकेमिस्ट्री में आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन का चेंज करने का और कोई मेथड नहीं है, कर लेंगे। तो 2 ही टर्म याद रखना, एक फॉर्मेशन के टर्म में, किस में, बॉन्ड एंथैल्पी में। अभी मैं किसके टर्म में लिख रहा हूँ, फॉर्मेशन के टर्म में। फॉर्मेशन में क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जब फाइंड करेंगे तो हमेशा समेशन ले लेंगे एंथैल्पी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट किसका, प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि आपके पास अगर मान लो कि अल्फा ए बीटा बी, अल्फा बीटा गामा क्या दिखा रहा है आपका, कोफिशिएंट, गामा सी और डेल्टा डी। तो देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जितना भी लिए सब क्या दिखा रहा है आपका, कोफिशिएंट। तो आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में, तो क्या होगा देखना, गामा इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ सी
प्लस डेल्टा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ किसका लेंगे, डी मैंने किसका लिया अभी, प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का लेंगे। तो देखो अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बीटा इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बी। मे बी रिएक्शन जब लिखोगे तो किसी का जीरो भी हो सकता है, किसी का नॉन जीरो भी हो सकता है। तो जिसका जीरो होगा उसका वैल्यू आपको नहीं देगा, आपको खुद लेना पड़ेगा, और जिसका नॉन जीरो होगा उसका वैल्यू दे देगा। कर लेंगे आइए। जैसे आपने CH4 लिखा था अभी, CH4 आपने लिखा था ग्रेफाइट, 2S2 गैस, क्या दिया था ये CH4। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4, क्योंकि आप कितना मोल CH4 बना रहे हो और किससे बना रहे हो, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा है एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4। कर लिए। अब एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे, है तो रिएक्शन, इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लिखेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन CH4, क्योंकि वो प्रोडक्ट है आपका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट, और प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 2 इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस। आप देखो रिएक्टेंट सर जितना भी ले रहे हैं सबका जीरो है, रिएक्टेंट सर जितना भी आपका स्पेसिफिक, जब जो भी आपका मॉलिक्यूल या जो भी एलिमेंट आपके इन्वॉल्व हो रहा है सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो है। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4 आया कि नहीं आपका। और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता कि इन विच वन रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप वही थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप लोगे जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका जीरो होगा। तो आप खुद से बता दो कौन सा थर्मोकेमिकल इक्वेशन है जहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका जीरो होगा, वो वही थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो जो एक्सप्लेन करेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, ये क्या होगा जीरो। तो आपका देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4। मतलब कि किसी भी रिएक्शन से अगर मैं बोलूंगा कि कौन सा रिएक्शन आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो कौन सा रिएक्शन लोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन ले लेना। कर लेंगे। तो वहां पे एंथैल्पी फॉर्मेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली देखो आप NH3 का फॉर्मेशन का बात करेंगे, NH3 में क्या लिए था, हाफ एन टू प्लस 3/2H2 गैस। आपने कितना इक्वेशन दिया था, यहाँ पे कितना मोल बनाया था, 1 मोल। देखो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इक्वल टू क्या होगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका होगा, NH3। क्यों होगा NH3 बताइए, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट एट दैट एंथैल्पी फॉर्मेशन यू हैव टू टेक द जीरो, चाहे हाफ मोल लो 1 मोल लो, उससे क्या मतलब है। कर लेंगे। एक्जी गैस लेंगे, F2 गैस लेंगे, क्या बनाया आपने, XeF2 गैस बनाया। बताइए एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट या नॉट स्टैंडर्ड स्टेट, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो। आप क्या लिखोगे, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो होगा वो होगा एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप हमेशा याद रखना थर्मोकेमिकल इक्वेशन विद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगा विद एंथैल्पी फॉर्मेशन
हमेशा चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का। थर्मोकेमिकल इक्वेशन इंथैल्पी फॉर्मेशन अगर एक्सप्लेन करेगा तो उसके एक्शन के चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, चाहे कहीं भी रिएक्शन लिखो कुछ भी लिखो। आई बात समझ में? आप किसी भी रिएक्शन का अगर इंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या लेंगे, प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखेंगे तो डेल सी, देखो यहाँ पे नॉट ले लिए तो मैंने कहाँ पे वर्क किया, स्टैंडर्ड स्टेट में लिखोगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो क्या होगा, देखो द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन जो होना चाहिए वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो एक्सेस होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का वन मोल को कंप्लीटली आप ऑक्सीडाइज कर दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या आएगा, सीओ टू और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर होगा उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या आएगा, वाटर। कार्बन अगर होगा उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे ग्रेफाइट का क्या आएगा, सीओ टू। अगर आपने कार्बन ग्रेफाइट को अगर सीओ तक ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एंथैल्पी कंबशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि कंबशन का जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी मोर स्टेबल स्टेट, तो सीओ आपका स्टेबल स्टेट नहीं होता, प्रोडक्ट में क्या होता है सीओ टू। एनओ का भी आपका स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता, क्या होता है एनओ टू। तो नाइट्रोजन का कोई भी कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा उसका जब कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए एन टू ओ, एनओ टू कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पे क्या होगा, तो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इज कंप्लीटली, कंबशन क्या होता है रेडॉक्स थी पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन द एक्सेस एयर। अंडर स्टैंडर्ड स्टेट या कहीं पे अंडर ऐसे भी लिख सकते हो चेंज इन कंबशन चेंज इन एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न, तो कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक एग्जांपल देखो, जैसे सी एच फोर गैस लिया था आपने, इसको कंबशन करेंगे तो कितना मोल का कंबशन होना चाहिए, तो उसको फिक्स कर दोगे वन मोल, उसमें टू थ्री मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, फिक्स कर देंगे। हाँ भाई ये मेरे को पता है कि कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो प्रोडक्ट आना चाहिए सीओ टू वाटर, तो पहले सीओ टू वाटर वन मोल कंपाउंड में कितना कार्बन देखा आपने, वन, तो आप वन मोल सीओ टू लिखेंगे। कंपाउंड में आपने कितना मोल हाइड्रोजन देखा, फोर, आप 2 मोल वाटर लिखेंगे। अब वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि वर्क कहाँ पे करो आप, स्टैंडर्ड स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर क्या हो जाएगा लिक्विड। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, फोर, तो आप क्या करेंगे टू ओ टू गैस दे देंगे। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे, जो एंथैल्पी चेंज होगा वही होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एच फोर, क्योंकि कंबशन किसका कर रहे हो, तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी एस फोर। अब इस रिएक्शन के इंथैल्पी कैसे फाइंड करोगे, तो मेरे को पता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका लेंगे सीओ टू का, प्लस टू इंटू इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका लेंगे आप एस टू ओ का, अब माइनस इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका लेंगे आप सी एच फोर का, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा जीरो, इसीलिए मैंने कंसिडर ही नहीं किया, किसका जीरो होगा ऑक्सीजन का, इसलिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में मैंने नहीं लिखा उसको। अब देखो ये जो वैल्यू आएगा ये इसी को क्या बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर मान लो ग्लूकोज का कंबशन करेगा तो मेरे को पता है कि ग्लूकोज का कंबशन से क्या आएगा सीओ टू आएगा, क्या आ जाएगा वाटर।
आपको ग्लूकोज का स्टैंड एंथैल्पी फॉर्मेशन दे देगा, आपको सीओ टू का स्टैंड एंथैल्पी फॉर्मेशन दे देगा, आपको वाटर का स्टैंड एंथैल्पी फॉर्मेशन दे देगा। ओ टू का स्टैंड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है? जीरो, आपको पता ही है। आप बोलेगा उसका कंबशन एंथैल्पी फाइंड करो, तो नहीं फाइंड कर लोगे। आई बात समझ में? तो किसी भी रिएक्शन का, चाहे कंबशन हो या कुछ भी हो, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, एंथैल्पी इज अ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये फंडा याद रखो, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आप इसका तो जीरो नहीं ले सकते हो, जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे इंथा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट तो नहीं होगा। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट तभी होगा जब आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिया मैंने, कंबशन। तो कंबशन में क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का भी वैल्यू आएगा, रिएक्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा आपको। सबसे पहले क्या नोट करना है, यहाँ पे लिख लो एक चीज, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा जीरो निगेटिव होता है। मतलब कहीं भी अगर कंबशन का प्रोसेस देगा तो उसका एंथैल्पी चेंज हमेशा निगेटिव ही आएगा। याद रखोगे, बहुत सारे स्मार्ट बुक क्या लिख देता है ना कि एन टू प्लस ओ टू इक्वल टू टू एन ओ, बोलता है ये एक्सेप्शन है, ये एंथैल्पी क्या होता है पॉजिटिव। अरे ये एंथैल्पी कंबशन दिखाता नहीं क्योंकि एनओ आपने बनाया, एनओ बनता ही नहीं, एनओ टू बनना चाहिए। एनओ तो कभी स्टे नहीं करता, आपका थंडर लाइटनिंग जो होता है वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, एनओ। एनओ बनने के बाद ही तो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करके एनओ टू में लेके चला जाता है, स्टे कहाँ करता वो। आई बात समझ में? इसलिए नाइट्रोजन का जब कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट शुड बी एनओ टू, ओवरऑल जाओगे तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसलिए एक भी कंबशन का एंथैल्पी नहीं होता जो पॉजिटिव हो, एंथैल्पी कंबशन क्या होता है, निगेटिव। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, सुनो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए देगा, आपको बोलेगा कंबशन से ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन, आप सबका कंबशन का अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके वैल्यू दे देगा। आप जब थर्मोकेमिकल इक्वेशन में उसको ट्रीट करने जाओगे तो वैल्यू को निगेटिव लेके चलोगे, क्योंकि मेरे को पता है कि एंथैल्पी कंबशन क्या होता है, निगेटिव। बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पॉजिटिव। एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, निगेटिव। एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। तो जो कंबशन एंथैल्पी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है कि निगेटिव होगा, आप निगेटिव साइन लेके आप कैलकुलेशन करोगे, कर लेंगे। तो लिखो एक और टर्म क्या होता है, देखो नोट करके लिख लो, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ वन वन ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लेके कंप्लीट कंबशन करो। देखो 1 मोल लेके कंप्लीट कंबशन करेंगे तो हो जाएगा किसका, है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब 1 ग्राम लेके जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरीफिक वैल्यू। आई बात समझ में? तो किसी फ्यूल का जो क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं, एलपीजी होता है या सीएनजी होता है, तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन इकोनॉमी, जब जो पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोजन इकोनॉमी पढ़ाएंगे हाइड्रोजन चैप्टर, तो वहां पे हाइड्रोजन इकोनॉमी फ्यूल का दिया हुआ, ग्रीन इकोनॉमी ग्रीन केमिस्ट्री में। तो वहां पे देखो टेबलेट फॉर्म में सबका बहुत सारा गैसेज दिया था, बहुत सारा फ्यूल दिया, उसका क्या दिया वहां पे, कैलोरीफिक वैल्यू दिया। तो कैलोरीफिक वैल्यू याद रखना क्या होता है, पर ग्राम। तो कैलोरीफिक वैल्यू अगर फाइंड करेंगे ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू ये एक्चुअली होता है, मॉड लेते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या दिखा था आपका, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल। और उसको अगर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पर ग्राम। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन जब पूछता है ना तो पूछता है क्वेश्चन आपको निगेटिव साइन देके पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे मॉड लिया। रियल में होता है कैलोरीफिक वैल्यू कभी निगेटिव साइन होता ही नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। तो कैलोरीफिक वैल्यू का कभी निगेटिव साइन नहीं होता, लेकिन आज के डेट में जो क्वेश्चन देखते हैं वहां पे निगेटिव साइन के साथ ही क्वेश्चन पूछ देता है। अब क्या करना, मॉड वहां से हटा के निगेटिव साइन देके पुट कर देना।
क्योंकि सारा ऑप्शन आपको निगेटिव ही देगा, पॉजिटिव देगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉजिटिव देगा एक निगेटिव देगा। अगर सारा का सारा निगेटिव रखा तो सब निगेटिव में होगा, अगर सारा ऑप्शन पॉजिटिव में रखा तो सबका सब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का भी हो ही नहीं सकता। याद रखोगे? कर लेंगे। हाँ नो, एंथैल्पी कंपोजिशन CH4 बिकॉज यू आर गोइंग टू कंबस्ट फॉर द कंबस्टन ऑफ CH4। अब व्हेन एवर यू हैव टू राइट द एंथैल्पी दैट शुड बी द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एट दिस थर्मोकेमिकल इक्वेशन यू आर एक्सप्लेनिंग द कंबस्टन ऑफ CH4 दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर द एंथैल्पी कंबस्टन ऑफ CH4। आई बात समझ में? क्योंकि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? कंबस्टन ऑफ CH4 दैट्स व्हाई यू कैन राइट द चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू एंथैल्पी कंबस्टन ऑफ CH4। अगर यहाँ पे ग्लूकोज देंगे तो एंथैल्पी ऑफ चेंज रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यू आर नॉट राइटिंग द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH4। हाँ, फिर मैंने एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो ले ही रहा हूँ। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन का होता तो क्या लेता? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आई बात समझ में? कैलोरीफिक वैल्यू आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। देखो क्या बोला, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन दिया C8 एस 18 क्या क्या दिया, -250 किलो जूल पर मोल दिया यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। फिर बोला कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन द इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर दिया हुआ आपका। आप खुद से बता दो, प्रोडक्ट आएगा CO2 वाटर, रिएक्टेंट क्या होगा आपका ऑक्टेन होगा और क्या होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या लेते हैं हम लोग, जीरो। ऑक्टेन का तो नॉन जीरो होगा, वो तो दे ही दिया आपका फॉर्मेशन। बताइए स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन भी दिया है, किसका दिया है, रिएक्टेंट का भी दिया है और स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका दिया, प्रोडक्ट का भी दिया। आपको क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड करना है। तो पहले ऑक्टेंट का कंबशन का रिएक्शन लिखो। आई बात समझ, कैसे करेंगे? पहले ऑक्टेंट का कंबशन का रिएक्शन लिखो आप। ऑक्टेंट का कंबशन का जब रिएक्शन लिखोगे आप, ये तो क्या हो जाएगा खुद से देखो। ऑक्टेन क्या होता है, C8H18 लिए, पहले ही बता दिए 8 ऑक्सीजन है तो 8 कार्बन है तो 8 CO2 लिख लो। हाइड्रोजन कितना आपका 18, तो 9 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये लिक्विड में होना चाहिए। अब ऑक्सीजन काउंट करो 25 आ गया, तो 25/2 कर दो। मैंने बताया था ना कि इवन ऑड का तो 2 कर देंगे अपने आप आ जाएगा आपका, तो क्या है 16 और 19, 25/2 करेंगे। अब ये रिएक्शन क्या दिखा रहा है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैंने कितना मोल को कंबशन किया, 1 मोल। ये याद रखना, कंबशन का थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो जो भी सब्सटेंस का कंबशन करोगे उसका आपके पास कितना होना चाहिए, 1 मोल आ गया। ये तो फिक्स है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू जो दिया देखो, यहाँ पे सबका सब निगेटिव दिया, कर लेंगे। तो आप देखो क्या करेंगे, अब आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो फाइंड करेंगे वही होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर कंबशन किसका, ऑक्टेन होगा वो, उसी का कंबशन करें तो उसी का कंबशन होगा। आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कौन है आपका 18 इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 9 इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन। इसका नहीं लेंगे, ऑक्सीजन का नहीं लेंगे। अब वैल्यू दिया सबका, वैल्यू पुट कर दोगे, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, चेक कर लो कितना रहा। देखो -250 दिया था ये, -394 286, तो 18 क्या हो जाएगा, 294 था ना ये, 394 286, 394 ले लेंगे प्लस 9 इंटू क्या होगा 286, क्या 96 था,
286 माइनस माइनस क्या लेंगे 250, फोर्टी नाइन हंड्रेड के करीब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए कब का, बहुत क्लोज वैल्यू दिया, देखो कितना रहा, बहुत क्लोज वैल्यू दिया, 394 को फोर थ्री नाइन एग्जैक्ट वैल्यू अपनी दोगे ये अप्रोक्सीमेटली कीमत करना, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। 394 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 280 से, फर्स्ट को देखो कितना हो जाएगा, माइनस 250 करें कितना रहा, सी ऑप्शन आ रहा। अरे कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेशन तो फास्ट होना चाहिए। ठीक इतना स्लो कैलकुलेशन कर दो, थर्मो केमिस्ट्री पढ़ोगे इतना स्लो कैलकुलेशन तो होगी, कौन सा आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज मत करना। कितना है अब, फाइव फोर सेवन सिक्स किलो जूल, एंथैल्पी फॉर्मेशन देखिए, अगर एंथैल्पी कंबशन देगा तो पहले कंबशन का रिएक्शन लिख लेना, फिर आप प्रोडक्ट माइनस क्या करना, रिएक्शन कर लेंगे। ठीक नेक्स्ट लिखो बॉन्ड एंथैल्पी, अभी तक आपने दो इंथैल्पी पढ़ा, एक इंथैल्पी फॉर्मेशन एक इंथैल्पी हो। Recording in progress. बॉन्ड इंथैल्पी का कुछ इंफॉर्मेशन दे देते आपको, केमिकल बॉन्डिंग याद, मीन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बताए थे कि नहीं, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में दिए थे। लिखो चेंज इन एंथैल्पी, व्हेन वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज कंप्लीटली सेपरेटेड इनटू गैसियस एटम्स, देखो मैंने क्या बोला, वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड, मैंने वन मोल ऑफ कंपाउंड तो नहीं बोला। अगर वन मोल ऑफ एक कंपाउंड ले लो, अब वन मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली सेपरेटेड इनटू गैसेस एटम, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। और आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी टू सेपरेट वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इनटू गैसेस एटम्स, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड एंथैल्पी। द डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी सेम हो जाता है। डायटोमिक के केस में एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, सेम होगा। कैसे होगा सुनो, देखो मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन गैस लिए अपने, वी नो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दो एच गैस में, तो आप देखो यहाँ पे एच गैस में जैसे सेपरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इंथैल्पी होगा इसका, तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन। ये बोल दिया मैंने 436 किलो जूल पर मोल, मतलब कि एक मोल हाइड्रोजन को गैसेस एटम में सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई द बॉन्ड इंथैल्पी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो होगा वो इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन के इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा 436 किलो जूल पर मोल।
एटॉमिक के केस में क्या देखा आपने, बॉन्ड इंथैल्पी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लीक लो इंथैल्पी एटमाइजेशन होता क्या, देखो इसको बोलते हैं इंथैल्पी एटमाइजेशन, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड एट दैट कंपाउंड मस्ट बी इन द गैस फेज। जब भी एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन करते हैं हम लोग गैस फेज से डिफाइन करते हैं, सॉलिड फेज से नहीं। is completely separated into gaseous atoms. gaseous atom में completely separate कर दो, उसी को क्या बोलेंगे enthalpy of atomization। अब बताओ इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, एक्सो या इंडो, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, सुनो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट किसी मॉलिक्यूल को, अगर गैसियस एटम आप सेपरेट करोगे तो एनर्जी वहां पे डिमांड है, रिक्वायर्ड है उसको बॉन्ड को तोड़ना आपको, तो वहां पे हमेशा प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा। बॉन्ड इंथैल्पी को फाइंड करेंगे तो आपने बोला कि वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड को सेपरेट करना है, तो वहां भी एनर्जी कंज्यूम होगा, तो बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन हमेशा होता है पॉजिटिव, एंथैल्पी कंप्रेशन हमेशा क्या होता है निगेटिव, एंथैल्पी फॉर्मेशन में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव कर लेंगे। आपने क्या देखा एंथैल्पी फॉर्म का एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिख लो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जब जाओगे डायटोमिक के लिए तो डायटोमिक के लिए क्या होगा, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जब जाओगे तो बॉन्ड इंथैल्पी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बताइए नाइट्रोजन में क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी इक्वल टू इंथैल्पी एटमाइजेशन, ऑक्सीजन में क्या होगा बॉन्ड इंथैल्पी इक्वल टू इंथैल्पी एटमाइजेशन, CH4 तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल टू एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं बोलोगे क्योंकि एक ही काइंड का कितना बॉन्ड है वहां पे 4, तो वहां पे क्या लेते हैं हम लोग मीन बॉन्ड एंथैल्पी, बताए थे ना आपको कहां पे केमिकल बॉन्डिंग में, तो डायटॉमिक में आप क्या लेंगे एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पे देखो इधर, अगर ऑक्सीजन गैस है ये, इसको सेपरेट आप कर दिया ऑक्सीजन एटम में, देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन में स्टैंडर्ड स्टेट का लिख रहा हूँ 498 किलो जूल पर मोल, तो बताइए तो बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा, ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी है सिंगल बॉन्ड का, देखो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे किसका ऑक्सीजन का, आप सोचो ना प्रैक्टिकली आप क्या फाइंड करोगे, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि प्रैक्टिकली आपको फाइंड क्या कर पाओगे एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन, बॉन्ड इंथैल्पी कहां से फाइंड करोगे प्रैक्टिकली, एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन को ही बॉन्ड इंथैल्पी में कन्वर्ट करते होंगे, CH4 को जाएंगे, CH4 में एक ही काइंड का कितना बॉन्ड है 4, आप जब सेटअप लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि सेपरेटली अब एक एक करके कट करोगे, नहीं जो भी सेपरेट होगा एक ही साथ में सेट कट होगा, आपने क्या फाइंड किया वहां पर एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन और उसको आपने 4 से डिवाइड किया था क्या आ गया बॉन्ड इंथैल्पी, प्रैक्टिकली जो हम लोग फाइंड करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से ही फाइंड करते होंगे, याद रखोगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा इंथैल्पी बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इक्वल टू क्या होगा 498 किलो जूल पर मोल्स, आई बात समझ में। अब देखो CH4 गैस है, इसको ने कार्बन आप गैस में लेके चले जाएंगे 4 हाइड्रोजन गैस, आपने कितना बॉन्ड को सेपरेट किया, आप खुद से देखो ये बॉन्ड इंथैल्पी इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा,
आपने क्या किया, 1 मोल CH4 को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया किसमें, गैसेस सेटम में। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन CH4 का 1660 किलो जूल पर मोल्स, मतलब ये जो एनर्जी आपने कंज्यूम किया वो कितना बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 4 बॉन्ड को, क्योंकि CH4 में एक ही काइंड का कितना बॉन्ड है, 4। और प्रैक्टिकली आप ऐसा कभी सेलेक्टिव हो ही नहीं सकते कि आप एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड देखते रहेगा, नहीं, क्योंकि सबका बॉन्ड एनर्जी तो सेम है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो सब एक ही साथ टूट जाएगा, तो इसीलिए क्या फाइंड होता है पॉलीटॉमिक का इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन, बॉन्ड इंथैल्पी नहीं। आप इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से फाइंड करते हैं लोग बॉन्ड इंथैल्पी, देखो क्या होता है, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंथैल्पी फॉर्मेशन एंड बॉन्ड इंथैल्पी, दिस टू इंथैल्पी विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसलिए जितना भी आपका थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन होगा या तो बॉन्ड इंथैल्पी पे या इंथैल्पी फॉर्मेशन पे, और जहां भी इंथैल्पी फॉर्मेशन का अगर पूछेगा हमेशा कोरिलेट कर देगा किससे, बॉन्ड इंथैल्पी से। अब बॉन्ड इंथैल्पी किससे कोरिलेट है, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन, बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी फॉर्मेशन। क्योंकि इंथैल्पी फॉर्मेशन आप कैसे फाइंड करोगे, बॉन्ड इंथैल्पी से, बॉन्ड इंथैल्पी कहाँ से फाइंड करोगे, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से, वही तो आपका पॉसिबल है, कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड तोड़ा आपने, तो 4 × क्या हो जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा, CH का, इक्वल टू क्या होगा, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन दैट इज 1600। तो बताइए तो बॉन्ड इंथैल्पी कितना हो जाएगा, 60 था ये, फोर हंड्रेड क्या हो गया, 15 किलो जूल पर मोल, मतलब ये मेन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है कि बॉन्ड, ये एग्जैक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है मीन, क्योंकि पॉलीएटॉमिक जैसे जाएंगे तो इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड इंथैल्पी, वहां पे हमेशा होता है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। वाटर से अगर OH बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, मीन बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड इंथैल्पी, मीन बॉन्ड इंथैल्पी। NH3 से अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वो मीन बॉन्ड इंथैल्पी। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड इंथैल्पी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी, वहां पे मीन बॉन्ड इंथैल्पी नहीं बोलोगे, कर लेंगे। अब देखो क्या होता, लिखो, किसी भी रिएक्शन का जब इंथैल्पी फाइंड करते हो ना, चाहे फॉर्मेशन का रिएक्शन हो, चाहे कंबशन का रिएक्शन हो, या न्यूट्रलाइजेशन किसी का भी, हमेशा याद रखना है समेशन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ इसको प्रोडक्ट्स। आप याद रखना किसी भी रिएक्शन का जब इंथैल्पी फाइंड करते हैं ना, तो दो ही मेथड बोले तो आपको, या तो फाइंड करो बॉन्ड इंथैल्पी में, या तो फाइंड करो इंथैल्पी फॉर्मेशन में। अगर आपका डेटा देगा फॉर्मेशन का तो क्या करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर बॉन्ड इंथैल्पीज का अगर डेटा देगा तो क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रीजन क्या होता है, देखो जब किसी रिएक्शन में आप बॉन्ड किसका ब्रेक करते हो, रिएक्टेंट का, तो प्रोसेस क्या होगा, इंडो। और किस में बॉन्ड फॉर्म होगा, प्रोडक्ट में, तो प्रोसेस क्या होगा, एक्जो। तो वहां पे तो नेगेटिव साइन आने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, इसीलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आई बात समझ में, तो बॉन्ड इंथैल्पी में क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जैसे आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते, देखना जैसे NH3 जाएंगे तो खुद से बताइए NH3 का फॉर्मेशन का इक्वेशन होगा क्या, हाफ N2 प्लस 3/2H2 प्लस NH3 गैस, खुद से बताइए इक्वेशन क्या दिखा रहा है, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका, ये तो पता चल रहा है आपको, क्या करेगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन इस रिएक्शन का दे देगा, ये इस रिएक्शन का मान लो कि आपको क्या करेगा, इसका बॉन्ड इंथैल्पी, इसका बॉन्ड इंथैल्पी, इसका बॉन्ड इंथैल्पी दिया रहेगा। और आपको फाइंड करना है इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3, आपको फाइंड क्या करना है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो पहले NH3 का एंथैल्पी फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख लो, आपने लिख लिया, आपने कितना मोल बनाया यहाँ पे, 1 मोल। तो ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3। मेरे को पता है कि इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा इक्वल टू इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका होगा, NH3।
ये मेरे को पता है, तो इसका इनथैल्पी मैं बॉर्न इनथैल्पी के टर्म में फाइंड कर लूंगा। जो भी इनथैल्पी होगा वही इस रिएक्शन का क्या होगा, इनथैल्पी चेंज होगा। अब वही इनथैल्पी चेंज क्या होगा, इनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो पहले लिखने तो बता देता। देखो इस रिएक्शन का इनथैल्पी चेंज फाइंड करूंगा मैं, इक्वल टू होगा इनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3। रीजन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनथैल्पी फॉर्मेशन किसका रहे, तो रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का तो सब तो जीरो है, तो बचेगा क्या, प्रोडक्ट ही बचेगा ना। तो आप इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, चाहे इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब क्या होगा देखो, अब इसका इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, हाफ इंटू बॉन्ड इनथैल्पी किसका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड दिया रहेगा आपको, प्लस क्या होगा 3/2 बॉन्ड इनथैल्पी किसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का वो भी दिया रहेगा आपको, -3 × बॉन्ड इनथैल्पी किसका हो जाएगा, NH बॉन्ड का वो भी दिया रहेगा आपको। तो रिस्पेक्टिव बॉन्ड इनथैल्पी को वैल्यू पुट करके आप इनथैल्पी फॉर्मेशन ही फाइंड कर सकते हो। यही सबसे फेवरेट टॉपिक है, यही से सब सबसे तक क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ, दो बार पूछ चुका कि बॉन्ड इनथैल्पी देखिए, इनथैल्पी फॉर्मेशन पूछ, इनथैल्पी फॉर्मेशन दिया था। देखो क्या दिया था, इनथैल्पी फॉर्मेशन दिया था, बॉन्ड इनथैल्पीज का वैल्यू दिया था। अब वहां पे एक पर्टिकुलर बॉन्ड इनथैल्पी आपको फाइंड करने बोला था, तो आप क्या करोगे, मान लो इनथैल्पी फॉर्मेशन पर NH3 दिया था, NH3 का पहले थर्मोकेमिकली क्वेश्चन लिखो जो एक्सप्लेन करे उसको इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने लिख लिया इस रिएक्शन के इनथैल्पी चेंज इक्वल टू इनथैल्पी फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो मैंने प्रोडक्ट किसको लिया, NH3। अब इस रिएक्शन के इनथैल्पी चेंज बॉन्ड इनथैल्पी में क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैंने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बॉन्ड इनथैल्पी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, नहीं आ जाएगा इनथैल्पी फॉर्मेशन। आई बात समझ में? जितना भी आपके पास कंपाउंड है, जैसे CO2 होता है, वाटर होता है, सबका इनथैल्पी फॉर्मेशन हम लोग किससे फाइंड करते हैं, बॉन्ड इनथैल्पी से। किससे फाइंड करते हैं हम लोग, बॉन्ड इनथैल्पी से। अब बॉन्ड इनथैल्पी किससे फाइंड करते हैं, इनथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से। उसके बाद आपका डाटा अवेलेबल है किसका, इनथैल्पी फॉर्मेशन का, उससे फाइंड करते हैं हम लोग इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कर लेंगे तो लिखो, देखो यहाँ पे देखो, किसका फॉर्मेशन दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन का दिया N2H4 का। बॉन्ड एन्थैल्पी किसका दिया, देखो नाइट्रोजन सिंगल, नाइट्रोजन ट्रिपल, नाइट्रो हाइड्रोजन सिंगल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या दिया, सिंगल, सबका बॉन्ड इनथैल्पी दिया है। आपको पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द बॉन्ड इनथैल्पी वैल्यूज यू हैव टू फाइंड द इनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ N2H4। तो सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो जिसमें आप कितना मोल का N2H4 को फॉर्म करोगे, 1 मोल। किससे फाइंड करोगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फाइंड करो खुद से। रिकॉर्डिंग इन देखो प्रोग्रेस सबसे पहले N2 गैस होना चाहिए और 2H2 गैस, दैट गिव द हाइड्रोजन 2NH4। मैंने पहले ही बता दिया जो कंपाउंड होगा उसका एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। अब इस रिएक्शन का क्या होगा, इस रिएक्शन के एंथैल्पी फाइंड करेंगे, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा ना वही होगा एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि मेरे को पता है कि फॉर्मेशन के टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जितना भी लिए सबका क्या होगा, जीरो। इनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू चेंज इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब बॉन्ड इनथैल्पी लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड इनथैल्पी लेंगे किसका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल, फिर बॉन्ड इनथैल्पी किसका लेंगे, 4 × किसका लेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल, रॉन्ग कर दिए ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट साइड में देखो कितना मोल नाइट्रोजन लिया आपने, तो 1 मोल लेंगे, तो बॉन्ड इनथैल्पी आप ले लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल का, प्लस हाइड्रोजन कितना लिए, 2 मोल, तो बॉन्ड इनथैल्पी लेंगे किसका, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, माइनस बॉन्ड इनथैल्पी किसका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का, प्लस 4 × बॉन्ड इनथैल्पी किसका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। अब वैल्यू पुट कर दो आप, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन में ये स्ट्रक्चर होता ही है।
कर लोगे? कितना है अब? 62 किलो जूल पर मोल, क्योंकि एंथैल्पी फॉर्मेशन दिखा रहे हैं ना, इसलिए आपने लिखा 62 किलो जूल पर मोल। तो कहीं भी इंथैल्पी फॉर्मेशन अब ऑन इंथैल्पी का रिलेशन अगर देगा तो फाइंड कर लोगे ना। कभी कभी क्या होगा, इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था वैसे ही क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया रहेगा। बॉन्ड इंथैल्पी मान लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल का भी देगा, बॉन्ड इंथैल्पी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का दे देगा, बॉन्ड इंथैल्पी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का दे देगा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी आपसे पूछेगा। तो क्या करेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे जो इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करेगा, इंथैल्पी फॉर्मेशन। और फिर क्या करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी जो प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट में जितना भी था सबका बॉन्ड इंथैल्पी दिया था आपका, प्रोडक्ट में आपका कौन सा बॉन्ड इंथैल्पी मिसिंग है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो उसको एज ए सिंपल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी लिख के रखना, एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी देगा वैल्यू पुट कर दोगे, अपने आप आ जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी, कर लेंगे। तो ये होता बॉन्ड इंथैल्पी के साथ कैलकुलेशन। नेक्स्ट लिखो, डिकम्पोजिशन इंथैल्पीज ऑफ CH4 एंड C2H6 आर थ्री फोर्टी एट, 632 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। डिकम्पोजिशन एंथैल्पी किसका दिया आपका? क्या है वो, इथेन और मेथेन और इथेन करो खुद से। डिकम्पोजिशन इंथैल्पीज मेथेन इथेन आर 348 एंड 632 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। हाँ बताओ, CH4 और C2H4 में, C2H6 में, इन दिस टू कंपाउंड्स कार्बन हैविंग द सेम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, सेम है ना। तो मेथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी होगा ना, वही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी इथेन में भी होगा। रीजन क्या होगा, मेथेन में भी कार्बन sp3 यूज कर रहा है और इथेन में भी क्या कर रहा है, sp3। अगर यहाँ पे इथेन और इथीन होता ना तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इथीन में कार्बन क्या करेगा, sp2 के साथ बॉन्डिंग करेगा, और मेथेन में क्या करेगा, sp3 के साथ। तो कभी क्वेश्चन नहीं देगा आपको, अगर क्वेश्चन देगा तो आपको क्या देगा, PH3 P2S6 4 में दे देगा, क्योंकि PH3 में फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, सिंगल। और P2S4 लेंगे जैसे हाइड्राजिन आपने बनाया, वहां पे फॉस्फोरस क्या होगा, सिंगल होगा, और फॉस्फोरस हाइड्रोजन भी बॉन्ड भी आएगा। तो PH3 से जो फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड फाइंड करोगे वही है बॉन्ड इंथैल्पी किसमें होगा, P2S4 में भी होगा। NH3 से जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी फाइंड करोगे वही बॉन्ड इंथैल्पी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कहाँ होगा, N2S4 में होगा। करेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, मे भी हो सकता है। देखो देखो, सबसे पहले CH4 को क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन इंथैल्पी का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपने इसको डिकम्पोज किया कार्बन गैस में और 4H गैस में, बताइए कितना दिया इंथैल्पी एटमाइजेशन, कितना दिया, 348। आपने कितना बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा 4 × किसका होगा, कार्बन हाइड्रोजन का, इक्वल टू 348। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि CH4 का इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन दिया, डिकम्पोजिशन इंथैल्पी कितना, 348। तो आपने वो एनर्जी किसके लिए यूज किया, टू ब्रेक द 4 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड का इंथैल्पी क्यों नहीं फाइंड कर लेंगे हम। तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन
कितना हो रहा है ये 80। ये किसका बॉन्ड इंथैल्पी फाइंड हुआ आपका? आपके अगर देखो क्या लिए, क्या लिए इथेन किस में जाएगा? दूसरी गैस में जाएगा और किस में जाएगा? अब देखो इथेन का एक कंपाउंड होता है ये, आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ कितना होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होगा? आप जब C2H6 को जब आपने एटॉमिक फॉर्म में सेपरेट किया तो आपने कितना बॉन्ड तोड़ा? एक कार्बन कार्बन का और सिक्स किसका? कार्बन हाइड्रोजन का। कार्बन हाइड्रोजन का रीडिंग आपको आ गया कहाँ से? CH4 से। तब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन जो होगा किसका? इथेन का। वो क्या होगा देखो, बॉन्ड इंथैल्पी किसका? कार्बन कार्बन का। अब प्लस 6 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा बताइए? इंथैल्पी ऑफ कितना दिया एटमाइजेशन, पुट करो देखो कितना आएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 3। ये कितना था? 640। राइट, आगे देखो। देखो तो कितना रहे वैल्यू, 5। टू कितना रहा? 522। फाइनल बोलो ना कितना आएगा? क्या फाइंड किया आपने? बॉन्ड इंथैल्पी से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से बॉन्ड इंथैल्पी। तो कहीं भी डिकम्पोजिशन, जैसे SF6 लेते हैं हम लोग, SF6 को देखो, SF6 को क्या करेगा, पूरा एटॉमिक फॉर्म में लेके जाएगा। तो कितना बॉन्ड तोड़ा आपने? आपको इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन दे देगा, इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन दे देगा। आपको अगर बॉन्ड इंथैल्पी पूछेगा तो नहीं फाइंड कर लोगे। आई बात समझ में? चलिए आगे चलिए। कॉन्स्टेंट समेशन क्या होता है ये बताओ। मैंने क्या बोला, जब रिएक्शन को प्रोसीड करोगे वन स्टेप में या मोर देन वन स्टेप में, एंथैल्पी चेंज क्या होगा? सेम होगा। लिखो आप, देखो बता देता हूँ, लिख लो पहले। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए प्रोसेस ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ऑलवेज रिमेन सेम लिख लो। वेदर इट प्रोसीड सेम सिंगल स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप्स।
बताइए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, आपके स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। तो आप किसी एक प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे वन स्टेप से, उसी प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे टू स्टेप से, तो अल्टीमेटली आपका तो सेम होगा वैल्यू। अगर यही आपका पाथ फंक्शन होता तो फिर डिफर कर जाता है। वर्क क्या होता है? पाथ फंक्शन होता तो रिफर करेगा। गिब्स एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन। आप एक रिएक्शन का एंथैल्पी गिब्स एनर्जी फाइंड करो या उसी रिएक्शन को दो स्टेप में फाइंड करो, अल्टीमेटली क्या होगा? सेम होगा। तो आप करेंगे क्या? देखो जैसे देखो एक फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे कार्बन आपका सॉलिड लिए, इसको अपने कंबशन के ऑक्सीजन से तो क्या मिला आपको? CO2। कुछ ना कुछ इंथेल्पी चेंज होगा इसका, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सब समझो, नेगेटिव कंबशन है ये। ग्रेफाइट का आपने क्या किया? कंबशन किया था, इससे क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो सेकंड क्या ले रहा हूं, देखना। सी सॉलिड और हाफ ओ टू लिए, क्या बनेगा? इसका एंथैल्पी चेंज होगा, थर्ड देखो। सीओ गैस में आपने क्या किया यहाँ पे? हाफ ओ टू गैस, CO2 गैस, इसका भी इंथैल्पी चेंज होगा। आप बताइए, 2 और 3 को ऐड करोगे तो 1 रिएक्शन आ जाएगा। आपने स्टेप 1 में क्या किया? कार्बन को डायरेक्टली आपने कन्वर्ट किया किसमें? CO2 में। स्टेप 2 और 3 में क्या करो? पहले कार्बन को कब कन्वर्ट करते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड में। आप फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से आपने किसमें कन्वर्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ओवरऑल देखो 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इक्वेशन 1। इसका मतलब 2 और 3 का इंथैल्पी चेंज को जब ऐड कर दोगे तो वही इंथैल्पी चेंज इक्वल टू क्या होगा? इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 1। आई बात समझ में? तो आप क्या करेंगे जब थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप समझ में आएगा आपको, अगर आपको क्या करेगा, देखो 2 इक्वेशन आता है, या तो आपको 2 क्वेश्चन आता है, या तो बहुत सारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे देगा, एक पार्टिकुलर थर्मोकेमिकल इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज बोलेगा। तो आप क्या करोगे, किसी को 1 को 2 से ऐड करोगे, कभी 3 को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, किसी में आपको 2 मोल फाइंड करने के लिए किसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वैसे ही करके ऑपरेट करके आप फाइनल इक्वेशन पे आ जाओगे। आप फाइनल इक्वेशन में देखेंगे कौन सा प्रोसेस में आपने ऐड किया, किस प्रोसेस में आपने सब्सट्रैक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग इंथैल्पी को भी चेंज करके हुए फाइंड कर लोगे। हो गया ये? कभी कभी क्या होगा कि 2 रिएक्शन दिया रहेगा आपको, और थर्ड रिएक्शन के इंथैल्पी फाइंड करना है, तो वो रिएक्शन आपको डायरेक्टली नहीं देगा, बोलेगा एंथैल्पी कंबशन इसका दिया है, इसका एंथैल्पी कंबशन दिया है, अब इसका एंथैल्पी फॉर्मेशन बताओ क्या होगा। तो पहले फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो और फिर उसके बाद बताओ, कर लेंगे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, एंथैल्पी चेंज 1 इक्वल टू एंथैल्पी चेंज 2 प्लस एंथैल्पी चेंज 3। ऐसे लोग क्यों सक्सेसफुल है तो याद रखिएगा, एंथैल्पी चेंज क्या होता है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन, बस यही रीजन है। कर लोगे? अब आइए, देखो यहाँ पे 2 रिएक्शन दिया ना आपका, कार्बन किस में जा रहा है बताए पहले, फिर सेकंड में बताइए। CO2, CO से किसका फॉर्मेशन पूछ रहा है आपको? CO का। तो पहले CO का थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो फॉर्मेशन का, खुद से लिखो खुद से। देखो क्या Recording करेंगे, in देखो progress.
सबसे पहले देखो सॉल्यूशन बनाएंगे, सबसे पहले क्या होता है सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस एच लिख, प्लस एक्स लिखाना है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है, तो आप क्या करना, उसका इंथैल्पी वन जो बोलेंगे वो माइनस एक्स हो जाएगा, और डेल एस टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई किलो जूल होगा। तो कहीं भी प्लस एक्स होगा इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक, अब माइनस एक्स का मतलब होता है इंडोथर्मिक, तो इंथैल्पी आप उसके अकॉर्डिंग आप इंथैल्पी का साइन लो, क्योंकि सारा कैलकुलेशन किस में करो आप, इंथैल्पी के टर्म में, हीट के टर्म आपका कैलकुलेशन है ही नहीं, तो इंथैल्पी के टर्म में, तो पहले इंथैल्पी का साइन पहले देखो आप, देखो क्या दे, देखो इक्वेशन वन क्या दिया आपका, देखो टारगेट क्या है मेरा, किसका फाइंड करना, टारगेट रिएक्शन क्या है, टारगेट रिएक्शन है कि कार्बन अगर सॉलिड है और हाफ ओ टू अगर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन का आपको इंथाल्पी फाइंड करना है, ये टारगेट है आपका, पहले वो लिखा जाता है, आप देखेंगे ये टारगेट जो, इसको अगर इक्वेशन वन लिए, इसको अगर इक्वेशन टू लिए, इसको अगर टू लिए तो ये क्या हो जाएगा थ्री, थ्री का इंथाल्पी फाइंड करना, अब वन एंड टू से थ्री को लाना, वन से अगर टू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन थ्री लाना था आपको, तो आप क्या करेंगे इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन क्या करेंगे टू, अलजेब्रा पढ़ते हो ना वैसे ही होता है, देखो इक्वेशन वन को अगर टू से करेंगे ना ये नेगेटिव हो जाएगा, देखो सीओ टू कैंसिल हो जाएगा, सीओ इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, और उधर क्या था वन ओ टू और हाफ ओ टू, तो वन माइनस हाफ करेंगे तो हाफ ही आएगा आपका, तो इक्वेशन आ जाएगा, कर लेंगे, तो देखो इसका क्या करना था, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था, किसका थर्ड का, वही होगा इंथाल्पी फॉर्मेशन किसका, सीओ का, रीजन क्या होगा, क्योंकि सारा का सारा रिएक्टेंट क्या आपका स्टैंडर्ड स्टेट में, वो क्या होगा इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन वन माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन टू, फर्स्ट का कितना दिया था माइनस एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा वाई, वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स, कर लेंगे, तो आप कभी भी फाइंड करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन देगा कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप उसका पहले लिख लेना, अगर फॉर्मेशन का पूछ रहा है तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन पहले लिख दो, कंबशन का इंथाल्पी पूछ रहा है तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन पहले कंबशन का लिख लो, इंथाल्पी एटमाइजेशन का पूछ रहा है तो पहले इंथाल्पी एटमाइजेशन का इक्वेशन लिख लो, और जो गिवेन इक्वेशन है उस इक्वेशन से कैसे लाओगे वो चेक करो आप, आई बात समझ में, अपने आप सारे कैलकुलेशन आ जाएगा, कर लेंगे, नेक्स्ट देखो आइए ये बनाइए 6 7 8 जो भी होगा, पहले बनाओ 6 बन, ये बनाओ पहले 7 बनाओ पहले, उसका 6 बनाना, मेन जो थर्मोकेमिस्ट्री का पढ़ना था पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे जब आएंगे तो पढ़ाएंगे आपको इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और पढ़ाएंगे हाइड्रेशन इंथाल्पी और इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथाल्पी न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रेशन इंथाल्पी बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, मेन जो क्वेश्चन आता है बॉन्ड इंथाल्पी, इंथाल्पी फॉर्मेशन और इंथाल्पी ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो देखो तो क्या हो जाएगा 6 का, ये पहले 7 बनाओ, क्या दिया इंथाल्पी फॉर्मेशन किसका दिया आपका, 7 बनाइए, वहां पे दिया कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू वाटर एंड ग्लूकोज दिया आपका, द स्टैंडर्ड इंथाल्पी कंबशन ऑफ पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपसे पूछ रहा है, पर ग्राम ग्लूकोज का इंथाल्पी कंबशन फाइंड करना आपको, तो वो तो होगा एक्सोथर्मिक ही होगा, नेगेटिव साइन तो होगा, तो पहले आप मोलर इंथाल्पी फाइंड कर लो उसका कंबशन का, पहले 1 मोल कंबशन का इंथाल्पी फाइंड कर लो, और उसे 1 मोल कंबशन का इंथाल्पी फाइंड करके उसको 180 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180 ग्राम, आप 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका इंथाल्पी कंबशन पर ग्राम आ जाएगा कि नहीं, तो पहले आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो इंथाल्पी कंबशन का, क्या फाइंड करना आपको इंथाल्पी ऑफ कंबशन किसका, ग्लूकोज का, तो पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो ग्लूकोज का इंथाल्पी ऑफ कंबशन का, अगर नहीं लिख पाओगे थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा, थर्मोकेमिकल
थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर वो लॉजिकली अगर समझ में आ गया ना आपका, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन बना लोगे, और नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। और थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, जिससे 100% गारंटी लेते हो क्वेश्चन आता ही नीट में। एक भी ऐसा ईयर नहीं होगा जहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, हर ईयर का क्वेश्चन आता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आने का चांस होगा ना, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री से ही होगा। अरे मेरे को पता है कि सी ऑप्शन होगा। बोलो कैसे, पारग्राम बोल रहा है ना, तो सबसे स्मॉलर निगेटिव तो वही है। बना के देखो ना कैलकुलेट करके। अरे बहुत स्लो काम करता, थोड़ा फास्ट लिखेगा, थोड़ा रिएक्शन बैलेंस करेगा, क्या बनेगा ये लोग डॉक्टर, बट इतना स्लो काम करेगा। कोई तो देखते रहता है कि टीचर बना रहा है कि नहीं। नहीं अभी भी थोड़ा दिमाग में ये नहीं आया कि खुद से कितना खटना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। अरे जितना पेन फास्ट लाओगे ना, बॉल पेन पेपर पे होता है आपका पेपर, सीबीटी टेस्ट नहीं आप देने जाओगे, जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे, जितना लिखोगे उतना फास्ट होगा कैलकुलेशन वहां पे। इसलिए एकदम ऐसे देखते रहते हो ना एकदम, कि टीचर गुजर करते रहते हो, ये कंटेंट को देखते रहते हो, बेटर लटक जाओगे वहां पे जाके। वो सब करना सोचो, थोड़ा फास्ट लिखो, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना बेटर होगा। कितना रहा, -16.1 किलो जूल आ रहा है ना, या मैंने बोल दिया इसीलिए बोल दिया आपने, कैलकुलेट किए। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये सॉलिड होता है, इसका कंबशन करेंगे। 6 CO2 पहले लिखेंगे आप, हाइड्रोजन कितना है 12, 6H2O लिखेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो 6O2 आ जाएगा, चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आपका। अब देखो इसका एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है इसका, इसका तो जीरो होता है, मेरे को क्या करना है, ये एंथैल्पी कंबशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी दैट विल बी ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि कंबशन किसका मैंने रेखा, ग्लूकोज का, तो उसी का एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। आप लेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका लिखेंगे आप, CO2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन। आप बिलीव नहीं करोगे, इस बार का जो 2 ईयर का बैच ले रहे हैं हम लोग, जो ऑनलाइन बैठे रहता है बच्चा ना, जैसे क्वेश्चन देते हैं ना फट से टेलीग्राम पे भेज देता है कैलकुलेशन करके। यहाँ तो सब कैलकुलेशन ऐसा महानुभाव सब बैठे रहते, खाली देखने के लिए बैठे रहते हैं, बार बार बोलते जितना हाथ चलाओगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाए होंगे कैलकुलेशन के चलते, आपने कभी जज किया, ये बहुत सारा क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो कैलकुलेशन के चलते। एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका होगा, ये ग्लूकोज का, वैल्यू पुट कर लोगे, आपको एंथैल्पी कंबशन पूछना है क्या, पर ग्राम पूछना आपसे। कंबशन पर ग्राम अगर बोलेगा आपसे, तो पर ग्राम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मोलर एंथैल्पी है, एंथैल्पी कंबशन और ग्लूकोज चले जाएंगे, वैल्यू फाइंड करके 180 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू मेरे को पता है ये -290 के करीब आएगा, और उसको 180 से डिवाइड कर दो आ जाएगा आपका ऑप्शन। क्योंकि मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा था एथलीट्स के बारे में, आकाश का पैकेज में दिया हुआ है कि ग्लूकोज जो होता है इतना एनर्जी करता है, उसमें एथलीट्स ने क्या किया 50% को क्या किया कंज्यूम किया रनिंग करने के लिए, 50% को क्या किया स्टोर किया, जो स्टोर किया वो कुछ नहीं हुआ, जो कंज्यूम किया वो क्या हो क्या वाटर को वेपराइज किया। अब बोला था कितना मोल वाटर वहां पे वेपराइज होगा, सिंपल कोरिलेशन आता है, तो पकड़ लोगे ये क्या होगा, तो आप जाओगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। 6 में देखो क्या दिया आपका, आपका देखो वहां पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया, क्या दिया आपको, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3।
आप खुद से बताइए, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर दिया तो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? एटम से। तो हाइड्रोजन का अगर इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन का वो बॉन्ड इंथैल्पी है। और नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड इंथैल्पी दिया, ये इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया आपका क्या दिया है? एंड दैट ऑफ द इंथैल्पी फॉर्मेशन किसका दिया? देखो फ्रॉम एटम, इससे एटम क्लियरली लिख रहा है कि नहीं? फ्रॉम एटम्स बोल रहा है, इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एटम्स बोल रहा है आपका -436। आप तो पता है ना कि नेसेंट हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालेगा तो एनर्जी रिलीज ही होगा वहां पे, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन बहुत आपका क्या होता है, इनर्जेटिक स्टेट में होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत इनर्जेटिक स्टेट में होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन, एटॉमिक क्लोरीन को जब कंबाइन कराओगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एनर्जी क्या होगा वहां पे? रिलीज होगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, इसीलिए हमेशा क्या होता है वहां पे? निगेटिव साइन दिया। तो आप उसको एक काम करो, निगेटिव को पॉजिटिव कर दो तो बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगा। वो आई बात समझ में? नहीं आपको नहीं बोलना कि नहीं ऐसे करना ही नहीं मेरे को, ठीक है नहीं करो तो आप एक काम करो, 3 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा? देखो NH3 का एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया है, तो एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3 का इक्वेशन लिखो। फिर आप एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम से लिखो, फिर एंथैल्पी फॉर्मेशन नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम से लिखो। आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन का इक्वेशन फॉर्म करो, अब वहां से बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड कर लो। नहीं समझ में? चलो देखो क्या करें, सीधा प्रोसेस बनाए कि शॉर्ट बता दे? बोलो प्रोसेस बोलोगे तो 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 4 इक्वेशन क्या बनाओगे? तो जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया उसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाएंगे। इसमें क्या होता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर पता रहेगा आपको, तो थर्मोकेमिस्ट्री में कभी नहीं गलती करोगे, कभी नहीं गलती करोगे। अगर आपको एक्सप्रेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन का आ गया तो जो बोला उसका इक्वेशन लिख दो, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका इक्वेशन लिख दो, और उस इक्वेशन के बाद जो बोल रहा है उसका टारगेट रिएक्शन लिखा सेट। आप देखो जज करो कैसे आएगा, अपने आप आंसर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक शॉर्ट सबसे पहले बता देता तो हूँ क्या। देखो ये नाइट्रोजन हाफ है, 3S2 हाइड्रोजन है, ये क्या आ जाएगा NH3। ये क्या दिखा रहे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? NH3 का। आप क्या करेंगे यहाँ पे, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ NH3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो हाफ इंटू बॉन्ड एंथैल्पी किसका? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल का, प्लस 3/2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी किसका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, माइनस 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का। वही तो फाइंड करना है आपको। अब देखो क्या दिया है यहाँ पे, बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन का दिया आपका, कितना दिया? एटम से हाइड्रोजन ला रहे हो ना, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? तो 436 किलो जूल बॉन्ड एंथैल्पी दे देना। नाइट्रोजन के एटम से नाइट्रोजन को ला रहे हो ना, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? तो आप ले लो वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ट्रिपल बॉन्ड का कितना, 712 किलो जूल पर मोल्स। बताइए इंथैल्पी फॉर्मेशन दिया ना NH3 का, -46 पुट कर देंगे। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का दे दिया ना आपका, हाफ मोल ले लेंगे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का दिया ना आपका, 3/2 मोल ले लेंगे। 3 इंटू क्या होगा बॉन्ड इंथैल्पी किसका होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का। वहां से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी आपको फाइंड करना है। देखो तो कितना आएगा, देखो कितना रहा। ये तो फिक्स है, ऑप्शन सी या डी होगा, ए और बी तो होगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा, फाइंड करो। मैंने ये वैल्यू बोल दिया आपका, कहाँ पे किसका इंथैल्पी लोगे कैसे लोगे मैंने बोल दिया। नेक्स्ट से जब आएंगे तो इसी क्वेश्चन को जैसे जैसे इंथैल्पी दिया जिसका इंथैल्पी उसी के टर्म में इक्वेशन बना के बताएंगे आपको, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, सबसे बेस्ट होता है ये। कितना रहा चेक कर लो, एंथैल्पी फॉर्मेशन नेगेटिव या पॉजिटिव दिया? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे। अब बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। वैल्यू पुट करके देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना रहा आपका,
जहाँ तक मैं देखता हूँ कि नाइट्रोजन का हब मोल लेंगे ना, सिर्फ और 1056 तो होगा नहीं, जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का इतना लो एनर्जी दिया आपने, कितना दिया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का, कितना दिया 700 समथिंग, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कहाँ से इतना स्ट्रांग होगा। देखिए तो ऑप्शन आ रहा है 352, कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कि नहीं 352, आ रहा है 352। सही बात समझ में कैसे फाइंड करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी से इंथैल्पी फॉर्मेशन का रिलेशन आया समझ में। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे बॉन्ड इंथैल्पी इंथैल्पी फॉर्मेशन, तो जैसे इंथैल्पी फॉर्मेशन दे रहेगा बॉन्ड इंथैल्पी पूछेगा, तो पहले इंथैल्पी फॉर्मेशन के इक्वेशन लिख लेना। कर लेंगे, क्या लिखेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसका लेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कर लेंगे। सही बात समझ में, ये इंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन से क्या फाइंड करते हैं लोग, बॉन्ड इंथैल्पी। तो ये जो सिक्स जो लिए, सिक्स को मैं और दूसरा मेथड से भी बनाऊंगा आपको, अभी मैंने शॉर्टकट बताया उसमें क्या मिला आपको 352। आई बात समझ में, यही तक रहने तो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे आपको थर्मोकेमिस्ट्री का, उसे पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके आइएगा।